स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन तो। प्रकाश संश्लेषण होता है, हाँ जी साढ़े को चार ऑप्शन दिते हुए ने। फर्स्ट दिता है जी न्यूक्लियस विच, सेकंड ऑप्शन हैगा है माइटोकांड्रिया विच, थर्ड ऑप्शन दिता हुआ है क्लोरोप्लास्ट विच, ते फोर्थ दिता है जी परोक्सीमोस विच। हाँ जी प्रकाश संश्लेषण होता है जी क्लोरोप्लास्ट विच। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी है जिहड़ा अपना करैक्ट हो जाएगा। हाँ जी प्रकाश संश्लेषण कहिंदे विच होंदा है जी क्लोरोप्लास्ट विच। नैक्सट क्वेश्चन वाल चलते हैं जी। नैक्सट क्वेश्चन अपना दिता हुआ है साइटोलॉजी किसनों कहते हैं। हाँ जी वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैगा है साइटोलॉजी किसनों कहते हैं। चार ऑप्शन दिते हुए ने। फर्स्ट हैगा जी जीवाणुओं के अध्ययन नूं, सेकंड ऑप्शन दिता है फसलों के अध्ययन नूं, थर्ड ऑप्शन दिता है कोशिकाओं के अध्ययन नूं, ते फोर्थ दिता है जी जनसंख्या के अध्ययन नूं। हाँ जी साइटोलॉजी किसनों कहा जाता है कोशिकाओं के अध्ययन नूं। हाँ जी इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन है जिहड़ा अपना करैक्ट हो जाएगा। हाँ जी बाकी दे ऑप्शन भी वेख लें। फर्स्ट दिता हुआ है जीवाणुओं के अध्ययन नूं की कहा जाता है। हाँ जी जीवाणुओं के अध्ययन नूं कहा जाता है बैक्टीरियोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी। हाँ जी जीवाणुओं के अध्ययन नूं कहा जाता है बैक्टीरियोलॉजी। ऑप्शन नंबर बी वेख लें। फसलों के अध्ययन नूं की कहा जाता है। हाँ जी फसलों के अध्ययन नूं कहा जाता है जी एग्रोनोमी, एग्रोनोमी कहा जाता है जी फसलों के अध्ययन नूं। ते ऑप्शन डी हैगा जनसंख्या के अध्ययन नूं, तो जनसंख्या के अध्ययन नूं कहा जाता है जी डेमोग्राफी, डेमोग्राफी कहा जाता है जनसंख्या के अध्ययन। हाँ जी नैक्सट क्वेश्चन वाल चलते हैं जी। अपना नैक्सट क्वेश्चन आता है हेठ लिखियां विच किस दा निर्माण साढ़े शरीर विच नहीं हुंदा। जी ये क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपोर्टेंट हैगा जी। हेठ लिखियां विचों किस दा निर्माण साढ़े शरीर विच नहीं हुंदा। चार ऑप्शन दिते हुए ने। फर्स्ट हैगा विटामिन ए, सेकंड दिता है जी प्रोटीन, थर्ड ऑप्शन हैगा एंजाइम, ते फोर्थ दिता है हारमोन। हाँ जी साढ़े शरीर विच इन्हां विचों दसना है किस दा निर्माण नहीं हुंदा, तो साढ़े शरीर विच विटामिन ए का निर्माण जिहड़ा नहीं हुंदा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन फर्स्ट है जिहड़ा अपना करैक्ट हो जाएगा। हाँ जी इस दे नाल ही विटामिन ए की कमी के नाल किहड़ा रोग हो जाता जी अंधराता, अंधराता जिहड़ा रोग हो जाता है विटामिन ए की कमी के नाल। अच्छा जी विटामिन ए सब तो ज़्यादा मात्रा विच किहदे विच पाया जाता जी गाजर विच, ये भी तुसीं नोट कर लेना है। सब तो ज़्यादा विटामिन ए पाया जाता है गाजर विच, ते विटामिन ए की कमी के नाल किहड़ा रोग हो जाता है अंधराता। इस अलावा प्रोटीन की जेकर आप गल करिए सब तो ज़्यादा प्रोटीन सोयाबीन दाल विच पाया जाता है। हाँ जी सब तो ज़्यादा प्रोटीन जिहड़ा सोयाबीन दाल विच पाया जाता है। नैक्सट क्वेश्चन वाल चलते हैं जी। नैक्सट क्वेश्चन अपने कोल हैगा जी एड्स बीमारी किदे नाल हुंदी है। हाँ जी एड्स बीमारी आपां दसणी है किदे नाल हुंदी है। साढ़े कोल चार ऑप्शन दिते हुए ने। फर्स्ट हैगा जी जीवाणुओं तो, सैकेंड दिता है पानी तो, थर्ड ऑप्शन हैगा हवा तो, ते फोर्थ दिता जी विषाणुओं तो। हाँ जी जिहड़ी एड्स बीमारी हैगी है वह किदे कारण हुंदी है जी विषाणुओं तो। ऑप्शन डी है जिहड़ा अपना करैक्ट हो जाएगा विषाणुओं तो। इस दे नाल ही एड्स दिवस कदों मनाया जाता जी 1 दिसंबर, एड्स दिवस जिहड़ा कदों मनाया जाता है 1 दिसंबर। नैक्सट क्वेश्चन वाल चलते हैं। हाँ जी साडा नैक्सट क्वेश्चन हैगा है हेठ लिखियां विचों किस जीव विच लहू नहीं हुंदा पर वह सांह लैंदा है। हाँ जी वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैगा जी। हेठ लिखियां विचों किस जीव विच लहू नहीं हुंदा पर वह सांह लैंदा है। चार ऑप्शन दिते हुए ने। फर्स्ट हैगा है हाइड्रा, सेकंड दिता जी तलचिटा, फिर हैगा जी ऑप्शन नंबर सी गडोया, ते ऑप्शन डी दिता है मछली। हाँ जी आपां दसना है वो केड़ा जीव हैगा जिंदे विच लहू नहीं हुंदा पर वह सांह लैंदा है। हाँ जी इस क्वेश्चन का जिहड़ा करैक्ट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर फर्स्ट हाइड्रा।
हाँ जी, हाइड्रा एक अजिहा जीव है जिंदे विच लहू नहीं हुंदा पर वो सां लैंदा है। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैगा जी। नैक्सट क्वेश्चन वाल चलते हैं। हाँ जी, साडा नैक्सट क्वेश्चन हैगा है, लाल रक्त कणां दा निर्माण साडे शरीर विच कित्थे हुंदा है। हाँ जी, ये क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपोर्टेंट हैगा जी। हाँ जी, आपां दसना है लाल रक्त कणां दा निर्माण साडे शरीर विच कित्थे हुंदा है। साडे कोल चार ऑप्शन दित्ते हुए ने। फर्स्ट हैगा जी लीवर, सैकेंड दिता है दिल, थर्ड ऑप्शन हैगा जी बोन मेरो, ते फोर्थ दिता है दिमाग। हाँ जी, लाल रक्त कणा का जिहड़ा निर्माण अपने शरीर विच जिहड़ा कित्थे हुंदा जी, ये हुंदा जी बोन मेरो, जिन्हों की कहिंदे ने अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा भी इन्हां नूं कहा जांदा है। हाँ जी, लाल रक्त कणा का निर्माण कित्थे हुंदा है, बोन मेरो विच, जिहदा सैकेंड नेम की हैगा जी अस्थि मज्जा। हुण जी लाल रक्त कण यानी कि RBC, इन्हां बारे कुछ जान लैने आपां। इन्हां दा जीवन काल की गल करिए, जीवन काल इन्हां दा हुंदा जी 120 दिन। 120 दिन इन्हां दा जिहड़ा जीवन काल हुंदा है, ते इन्हां दा जिहड़ा कब्रिस्तान किहनूं कहा जांदा है, RBC दा कब्रिस्तान कहा जांदा जी प्लीहा नूं RBC दा कब्रिस्तान कहा जाता है, या फिर इसका सैकेंड नेम हैगा जी सपलिन। सपलिन भी इन कहा जाता है। RBC का जोड़ा कब्रिस्तान हैगा वो हैगा जी प्लीहा, जिसका सैकेंड नेम हैगा सपलिन। तो इस तुम पहला आप पढ़े से कि RBC का जोड़ा जीवन काल कि 120 दिन। इस तो अलावा जेकर आप RBC के कम की गल करिए, कम हों अपने शरीर में RBC के। हाँ जी, मेन दो कम है, एक तो ऑक्सीजन पहुँचाना, तो सेकेंड का कम है जी कार्बन डाइऑक्साइड वापस लेके आना। जरा कार्बन डाइऑक्साइड जी वापस लेके आना। इस तो अलावा RBC दे आपां होर गल करिए, जिवें RBC सौंदे टाइम इन्हों की जी 5% की कमी हो जाती है। जो आप सौंदे हाँ तो RBC सैल में 5% जी कमी हो जाती है सौन टाइम। इस तो अलावा जो आप 4200 मीटर की ऊंचाई पर जाते हाँ, 4200 मीटर की ऊंचाई पर जाते हाँ, तो RBC जोड़ा कि है 30% का वाधा होंगे। फिर तो रिपीट कर दें, फर्स्ट की है सौन के टाइम की है RBC जोड़े होंगे है रेड ब्लड सैल, इन 5% की कमी आ जाती है। तो सैकेंड पॉइंट की हैगा सी, जो आप 4200 मीटर की ऊंचाई तक जाने तो की हो जाता है, इन 30% का वाधा होंगे। हाँ जी, इसे नाल ही एक क्वेश्चन होर बनता है, जिमें कि RBC की संख्या किस यंत्र नाल मापी जाती है। हाँ जी, साडे शरीर में जिहड़े रेड ब्लड सैल होंदे ने उन्हां दी जिहड़ी आपां गिणती किस यंत्र नाल मापदे हाँ, तो उसका नाम हैगा जी हीमोसाइटोमीटर। वेरी वेरी इंपोर्टेंट हैगा जी, RBC की संख्या हीमोसाइटोमीटर नाल मापी जाती है। इस तो अलावा RBC का दूजा नाम की हैगा जी अरिथोसाइट। RBC का सैकेंड नेम की हैगा जी अरिथोसाइट। हाँ जी, फिर तो रिपीट कर दें, RBC नाल आपां रिलेटेड जिनी भी जानकारी पढ़ी है, सब तो पहला आपां पढ़िया जी कि RBC का जिहड़ा की है निर्माण साडे शरीर विच कित्थे हुंदा है, ये हुंदा जी अस्थि मज्जा विच यानी कि बोन मेरो विच। उस तो बाद आपां पढ़िया RBC का जीवन काल किन्ना हुंदा है 120 दिन। इस तो बाद RBC का कब्रिस्तान किहड़ा हुंदा जी, वह हुंदा जी प्लीहा, जिन्हों सैकेंड नेम की दिता सी सपलिन। इस तो अलावा RBC दे आपां कम पढ़े सी, दो कम हैगे मेन, एक ऑक्सीजन पहुँचाना ते दूजा कार्बन डाइऑक्साइड वापस लेके आना। इस तो अलावा RBC सौंदे टाइम इन्हां विच की हुंदा है 5% की कमी हो जाती है, तो जदों आपां 4200 मीटर की ऊंचाई पर जाते हाँ तो इन्हां विच 30% का जिहड़ा वाधा हो जाता है। इस तो अलावा आपां पढ़े सी कि RBC की संख्या
ਜਿਹਨਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਯੰਤਰ ਨਾਲ ਮਾਪ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਯੰਤਰ ਹੈਗਾ ਜੀ ਹੀਮੋਸਾਈਟੋਮੀਟਰ। ਇਸ ਯੰਤਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮਾਪ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਰਬੀਸੀ ਦਾ ਦੂਜਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਆਰਬੀਸੀ ਦਾ ਦੂਜਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ ਜੀ ਅਰੀਥੋਸਾਈਟ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਣਾ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਰਮੋਨ ਕਿਸ ਵਿੱਚ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਰਮੋਨ ਕਿੱਥੇ ਬਣਦੇ ਹਨ? ਚਾਰ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਫਸਟ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਪਿਟਿਊਟਰੀ ਗ੍ਰੰਥੀ ਵਿੱਚ, ਸੈਕਿੰਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਹੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਥਰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਥਾਇਰਾਇਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਫੋਰਥ ਹੈਗਾ ਹੈ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ, ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਰਮੋਨ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਬਣਦੇ ਹਨ? ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਬਣਦੇ ਨੇ? ਪਿਟਿਊਟਰੀ ਗ੍ਰੰਥੀ ਵਿੱਚ। ਆਪਸ਼ਨ ਫਸਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕਰੈਕਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਿਟਿਊਟਰੀ ਗ੍ਰੰਥੀ, ਯਾਨੀ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਿਟਿਊਟਰੀ ਗਲੈਂਡ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣਾ ਆਏਗਾ ਜੀ, ਲਾਰ ਕਿਸ ਦੇ ਪਾਚਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗਾ। ਆਪਾਂ ਦੱਸਣਾ ਜੀ ਲਾਰ ਕਿਸ ਦੇ ਪਾਚਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਚਾਰ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਫਸਟ ਹੈਗਾ ਚਰਬੀ, ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਗਾ ਜੀ ਸਟਾਰਚ, ਥਰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਟੀਨ, ਅਤੇ ਫੋਰਥ ਹੈਗਾ ਹੈ ਵਿਟਾਮਿਨ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਲਾਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਸਟਾਰਚ ਦੇ ਪਾਚਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਟਾਰਚ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟਾਇਲਿਨ ਨਾਂ ਦਾ ਪਦਾਰਥ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਪਦਾਰਥ? ਟਾਇਲਿਨ। ਟਾਇਲਿਨ ਨਾਂ ਦਾ ਪਦਾਰਥ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਰਚ ਦੇ ਪਾਚਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਟਾਰਚ ਵਿੱਚ ਟਾਇਲਿਨ ਨਾਂ ਦਾ ਪਦਾਰਥ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਰਚ ਦੇ ਪਾਚਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡਾ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਫੇਦ ਫੁੱਸਫੁੱਸ ਰੋਗ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚਾਰ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਦੱਸਣਾ ਜੀ ਸਫੇਦ ਫੁੱਸਫੁੱਸ ਰੋਗ ਕਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਫਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਾਗਜ਼ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਸੈਕਿੰਡ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਸੀਮਿੰਟ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਥਰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਪਾਸ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਫੋਰਥ ਹੈਗਾ ਜੀ ਪੀੜ ਨਾਸ਼ਕ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ। ਜੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਫੇਦ ਫੁੱਸਫੁੱਸ ਰੋਗ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੀਮਿੰਟ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕੁਰੈਕਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਸੀਮਿੰਟ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ, ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਕਾਲੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦਾ ਰੋਗ ਕਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਕਾਲੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦਾ ਰੋਗ ਜਿਹੜਾ ਕੋਲੇ ਦੀਆਂ ਖਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਤੋਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਾਲੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦਾ ਰੋਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੋਲੇ ਦੀਆਂ ਖਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਆਪਣਾ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਥਾਇਰਾਇਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੀ ਅਸਮਾਨ ਵਾਧਾ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਥਾਇਰਾਇਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦਾ ਅਸਮਾਨ ਵਾਧਾ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਚਾਰ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਫਸਟ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਆਇਓਡੀਨ, ਸੈਕਿੰਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਲੋਹਾ, ਥਰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ, ਅਤੇ ਫੋਰਥ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਾਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਥਾਇਰਾਇਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੇ ਅਸਮਾਨ ਵਾਧਾ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਆਇਓਡੀਨ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ। ਆਪਸ਼ਨ ਫਸਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕੁਰੈਕਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਆਇਓਡੀਨ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਥਾਇਰਾਇਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦਾ ਅਸਮਾਨ ਵਾਧਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਲੋਹੇ, ਤਾਂ ਲੋਹੇ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਐਨੀਮੀਆ ਰੋਗ। ਐਨੀਮੀਆ ਰੋਗ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਲੋਹੇ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ, ਤਾਂ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਹੱਡੀਆਂ ਦਾ ਰੋਗ। ਹੱਡੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆਪਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਹੱਡੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਰਨ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ। ਅਤੇ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਜੀ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ, ਤਾਂ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਖੂਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਥੱਕਾ ਜੰਮਣਾ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਖੂਨ ਦਾ ਥੱਕਾ ਨਹੀਂ ਜੰਮਦਾ, ਖੂਨ ਦਾ ਥੱਕਾ ਨਹੀਂ ਜੰਮਦਾ। ਫਿਰ ਤੋਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕੁਐਸਚਨ,
क्वेश्चन हैगा सी थायराइड ग्रंथी दा असमान वाधा किस कारण हुंदा है। हाँ जी थायराइड ग्रंथी दा असमान वाधा किन कारण हुंदा है, आयोडीन की कमी के कारण हुंदा है। इस तो अलावा ऑप्शन बी दिता सी लोहा, तो लोहे की कमी के कारण कौन सा रोग हो जाता है, एनीमिया रोग। ऑप्शन सी है कैल्शियम, तो कैल्शियम की कमी के कारण हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। ऑप्शन डी दिता है पोटाशियम, तो पोटाशियम की कमी के कारण क्या होता है, खून का थक्का नहीं जमता। नैक्सट क्वेश्चन वाल चलते हैं जी। जी साडा नैक्सट क्वेश्चन है जी, नैक्सट क्वेश्चन है अपना वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हेठ लिखिया गैसा विच केड़ी गैस सब तो ज़्यादा ग्रीन हाउस प्रभाव पाती है। जी वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जी, काफ़ी बार एग्जाम विच रिपीट हो चुका है। तो चार ऑप्शन दिए हुए हैं, फर्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड, सेकंड दिता है जी मिथेन, थर्ड ऑप्शन है ऑक्सीजन, तो फोर्थ दिता है जल वाष्प। जी आप दसना है हेठ लिखिया गैसा विच केड़ी गैस सब तो ज़्यादा ग्रीन हाउस प्रभाव जड़ा पाती है, तो वह है जी सब तो पहली कार्बन डाइऑक्साइड CO2 जिन्होंने कहते हैं, तो सब तो पहले नंबर पर आती है कार्बन डाइऑक्साइड। इस तो अलावा CH4 O2 यह भी ग्रीन हाउस प्रभाव पाती हैं। नैक्सट क्वेश्चन वाल चलते हैं जी, नैक्सट क्वेश्चन अपना है नदियों में जल प्रदूषण का पता करने किस की खुली हुई मात्रा मापी जाती है। हाँ जी ये क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, नदियों में जल प्रदूषण का पता करने लिए किस की खुली हुई मात्रा आप मापते हैं, जिस नाल आपां नूं पता चल जाता है कि जल जिहड़ा वो प्रदूषित है। हाँ जी साडे कोल चार ऑप्शन दिए हुए ने, फस्ट है क्लोरीन, सैकेंड दिता जी नाइट्रोजन, थर्ड है ओजोन, तो फोर्थ है ऑक्सीजन। हाँ जी आप किस की मदद नाल पता करते हैं, वो है जी ऑक्सीजन की मदद नाल, ऑक्सीजन की खुली हुई मात्रा के नाल आपां नूं पता चलता है कि पानी जिहड़ा किन्ना वो प्रदूषित होया है। हाँ जी नैक्सट क्वेश्चन वाल चलते हैं जी, अपना नैक्सट क्वेश्चन आता है साधारण मनुखी शरीर विच किन्नियां हड्डियां होंदियां हन। हाँ जी वेरी ईजी क्वेश्चन है, चार ऑप्शन ने, फस्ट है 214, सैकेंड 206, थर्ड ऑप्शन है जी 254, तो फोर्थ दिता है पता नहीं। हाँ जी साधारण मनुखी शरीर विच किन्नियां हड्डियां होंदियां ने, ऑप्शन नंबर बी है जिहड़ा अपना करैक्ट हो जाएगा 206। तो नवे जमे बच्चे किन्नी होंगे ने 300, नवे जमे बच्चे जी हड्डियाँ किन्नी होंगे ने 300। इस तो अलावा क्वेश्चन बनता है कि शरीर में सब तो वड्डी हड्डी केड़ी होंगी है, यह होंगी जी फीमर की, फीमर जिन्हों जांग की हड्डी भी कहा जाता है, जांग की हड्डी। तो सब तो छोटी हड्डी की आप जेकर गल करिए तो वह होंगे जी स्टेपीज, स्टेपीज ये हड्डी होंगी जी कान विच, कान विच, सॉरी बागड़ी बोल गया कान, तो होंगी जी कान विच। फिर तो रिपीट कर देने, सब तो वड्डी हड्डी होंगी है फीमर, जांग की हड्डी, तो सब तो छोटी होंगी जी स्टेपीज, कान की हड्डी। नैक्सट क्वेश्चन वाल चलते हैं जी, जी अपना नैक्सट क्वेश्चन है इनफ्लूएंजा रोग किस कारण होंगे। जी ये क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, इनफ्लूएंजा रोग किस कारण होंगे। साढ़े को चार ऑप्शन है, फर्स्ट है विषाणुआ कारण, सैकेंड दिता जीवाणुआ कारण, थर्ड ऑप्शन है जी कवक के कारण, तो फोर्थ है शिवाल के कारण। हाँ जी इनफ्लूएंजा रोग यह होंगे जी विषाणुआ के कारण, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है जो अपना करैक्ट हो जाएगा। इनफ्लूएंजा रोग जो होंगे ये होंगे जी विषाणुआ के कारण। हाँ जी नैक्सट क्वेश्चन वाल चलते हैं जी, अपना नैक्सट क्वेश्चन आता है जी पानी विच घुलनशील विटामिन केड़ा है। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जी, आप ट्रिक दे नाल भी याद करांगे कि पानी विच घुलनशील विटामिन केड़े होंगे ने, ते वसा यानी चर्बी विच घुलनशील विटामिन केड़े होंगे। पहला आप क्वेश्चन का आंसर दसीए, पानी विच घुलनशील विटामिन केड़ा होंगे। हाँ जी चार ऑप्शन ने, फर्स्ट है विटामिन ए, सैकेंड दिता है विटामिन बी, थर्ड ऑप्शन है विटामिन सी, तो फोर्थ दिता है विटामिन ई। तो पानी विच घुलनशील विटामिन इन्हां विचों हैगा जी विटामिन सी, ऑप्शन नंबर सी ही अपना करैक्ट आंसर हो जाएगा। हुण आपां ट्रिक दे नाल याद कर दिंदे आ, आपां दो गलास लैंदे आ ए ते आ गलास है जिहड़ा बी, एक विच आपां की है चर्बी पाई है, तो दूजे विच हैगा जी वाटर,
हुण मैं तुहानू ट्रिक दसण जा रहा, इस दे नाल तुहानू याद हो जाएगा कि पानी विच घुलनशील विटामिन किहड़े हुंदे ने ते चर्बी विच। आपां उस तो बाद इहदे विच की पाने जी, एक कीड़ा पाने। चर्बी विच आपां एक छोटा जिहा कीड़ा पाया ते कीड़ा की है इहदे विच अंदर डुब जांदा है। ते दूजे पासे 20 ग्लास विच आपां भी आई कीड़ा पाने ते आ कीड़ा जिहड़ा पानी दे उत्ते जिहड़ा तैरन लग जांदा है, तैरदा है। हुण जिहड़ा कीड़ा है, कीड़े वर्तों आपां KEDTA, ये जिहड़े विटामिन हैगे ने, विटामिन किन्ने हुंदे ने, 6 विटामिन हुंदे ने, किहड़े ABCDE ते K, टोटल 6 विटामिन हुंदे ने। हुण वेखो जिहड़ा फर्स्ट ग्लास सीगा सी चर्बी वाला, इहदे विच की है कीड़ा जिहड़ा डुब जांदा है, यानी कि कीड़ा जिहड़ा घुल जांदा है। ਤਾਂ ਚਰਬੀ ਵਿੱਚ ਘੁਲਣਸ਼ੀਲ ਵਿਟਾਮਿਨ ਕਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ? ਕੀੜਾ, ਕੀੜਾ ਵਰਡ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਟਾਮਿਨ ਕੇ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਈ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਤੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਏ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ 4 ਵਿਟਾਮਿਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚਰਬੀ ਵਿੱਚ ਘੁਲਣਸ਼ੀਲ ਨੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਕਿਹੜੇ? ਵਿਟਾਮਿਨ ਬੀ ਤੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਵਿਟਾਮਿਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਘੁਲਣਸ਼ੀਲ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਘੁਲਣਸ਼ੀਲ ਵਿਟਾਮਿਨ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ 2 ਘੁਲਣਸ਼ੀਲ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਬੀ ਤੇ ਸੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕੁਰੈਕਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ? ਬਸ ਜਿਹੜਾ ਕੀੜਾ ਵਰਡ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਚਰਬੀ ਵਿੱਚ ਕੀੜਾ ਜਿਹੜਾ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚਰਬੀ ਵਿੱਚ ਕੀੜਾ ਜਿਹੜਾ ਘੁਲ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਚਰਬੀ ਵਿੱਚ ਘੁਲਣਸ਼ੀਲ ਵਿਟਾਮਿਨ ਕਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ? ਕੀੜਾ ਵਰਡ ਹੈਗਾ ਜੇ KEDTA। ਇਹ 4 ਵਿਟਾਮਿਨ ਜਿਹੜੇ ਚਰਬੀ ਵਿੱਚ ਘੁਲਣਸ਼ੀਲ ਨੇ, ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬੀ ਤੇ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ, ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਓਜ਼ੋਨ ਪਰਤ ਦੀ ਮੋਟਾਈ ਮਾਪਣ ਦੀ ਇਕਾਈ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਓਜ਼ੋਨ ਪਰਤ ਦੀ ਮੋਟਾਈ ਮਾਪਣ ਵਾਲੀ ਇਕਾਈ ਕਿਹੜੀ ਦੱਸਣੀ ਹੈ? 4 ਆਪਸ਼ਨ ਨੇ, ਫਸਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾਟ, ਸੈਕਿੰਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਡਾਪਸਨ, ਥਰਡ ਹੈਗਾ ਦੂਰਬੀਨ, ਤੇ ਫੋਰਥ ਹੈਗਾ ਮੈਕਸਵੈਲ। ਹਾਂਜੀ, ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਓਜ਼ੋਨ ਪਰਤ ਦੀ ਮੋਟਾਈ ਮਾਪਣ ਵਾਲੀ ਇਕਾਈ ਜਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈਗੀ? ਡਾਪਸਨ। ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕੁਰੈਕਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਟਮਾਟਰ ਦਾ ਰੰਗ ਲਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗਾ। 4 ਆਪਸ਼ਨ ਨੇ, ਫਸਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕੈਰੋਟੀਨ, ਸੈਕਿੰਡ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਐਥੋਸਾਈਨਿਨ, ਥਰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਲਾਈਕੋਪੀਨ, ਤੇ ਫੋਰਥ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਾਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਟਮਾਟਰ ਦਾ ਰੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਾਲ ਕਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਟਮਾਟਰ ਦਾ ਰੰਗ ਜਿਹੜਾ ਲਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਲਾਈਕੋਪੀਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਣਾ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਨਸੂਲਿਨ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਧਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ। 4 ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਫਸਟ ਹੈਗਾ ਟੀਨ, ਸੈਕਿੰਡ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਤਾਂਬਾ, ਥਰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਜਸਤਾ, ਤੇ ਫੋਰਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ਸਾਰੇ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਾਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਇਨਸੂਲਿਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਧਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਨਸੂਲਿਨ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਜਸਤਾ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੁਰੈਕਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਰ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸੂਲਿਨ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿਹੜਾ ਰੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਨਸੂਲਿਨ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸ਼ੂਗਰ ਰੋਗ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫੁੱਲ ਹੈ? ਜੀ, 4 ਫੁੱਲ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਫਸਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਮਲ, ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਗਾ ਜੀ ਸੂਰਜਮੁਖੀ, ਥਰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਜੀ ਰੈਫਲੀਸੀਆ, ਤੇ ਫੋਰਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਲਿਲੀ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਾਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫੁੱਲ, ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫੁੱਲ ਹੈਗਾ ਜੀ ਰੈਫਲੀਸੀਆ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫੁੱਲ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ? ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਖੂਨ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਰੋਗ ਕਿਸ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਖੂਨ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਰੋਗ ਕਿਸ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? 4 ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਫਸਟ ਹੈਗਾ ਹੀਮੋਗਲੋਬਿਨ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਗਾ ਜੀ ਆਇਓਡੀਨ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਥਰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਤੇ ਫੋਰਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ। ਹਾਂਜੀ, ਖੂਨ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਰੋਗ ਕਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਹੀਮੋਗਲੋਬਿਨ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ। ਹਾਂਜੀ, ਹੀਮੋਗਲੋਬਿਨ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਹ RBC ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਹੀਮੋਗਲੋਬਿਨ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿਹੜਾ ਰੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਖੂਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਇਓਡੀਨ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿਹੜਾ ਰੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਗਲੇ ਦਾ ਰੋਗ। ਗਲੇ ਦਾ ਰੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਆਇਓਡੀਨ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ। ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿਹੜਾ ਰੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਸੱਕਰਵੀ। ਤੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਰਿਕੇਟਸ।
रिकेटस रोग जिहड़ा हो जाता है। इस तों इलावा विटामिन बी दे कारण बेरीबेरी का रोग हो जाता है। हाँ जी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जी, नवे जन्मे बच्चे विच कितनियां हड्डियां होंदियां हन? साडे कोल चार ऑप्शन दित्ते हुए ने। फर्स्ट है जी 206, सैकेंड दिता है 230, थर्ड ऑप्शन है 240 ते फोर दिता है 300। हाँ जी नवे जन्मे बच्चे विच कितनियां हड्डियां होंदियां ने? 300। इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी है जिहड़ा अपना करैक्ट हो जाएगा। हाँ जी इस तों इलावा जेकर पूछा जाए कि साधारण मनुख विच कितनियां हड्डियां होंदियां ने, तो अपना आंसर है जिहड़ा फर्स्ट है जिहड़ा वह करैक्ट हो जाएगा 206। हाँ जी साधारण मनुख विच 206 हड्डियां होंदियां हन। जेकर पूछा जाए कि साडे शरीर विच सब तो वड्डी हड्डी केड़ी हुंदी है, तो सब तो वड्डी हड्डी हुंदी है जी फीमर हड्डी हुंदी है सब तो वड्डी, जिन्हों कहिंदे ने जांग दी हड्डी। इस तो इलावा जेकर तुहाडे कोल पूछ लिया जाए कि सब तो छोटी हड्डी केड़ी हुंदी है, तो सब तो छोटी हड्डी हुंदी है जी स्टेपिन। साडे मनुखी कन विच तीन हड्डियां हुंदियां ने, जिन्हां विचों सब तो छोटी हड्डी हुंदी है जी स्टेपिन, ये होंगी जी कन विच। नैक्सट क्वेश्चन वाल चलते हैं। हाँ जी साडा नैक्सट क्वेश्चन हैगा है, धरती ते सब तो वड्डा जिउंदा पंछी केड़ा है? हाँ जी ये क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपोर्टेंट हैगा जी। धरती ते सब तो वड्डा जिउंदा पक्षी केड़ा हैगा जी? शतुरमुर्ग। ऑप्शन बी है जिहड़ा इस क्वेश्चन का अपना करैक्ट हो जाएगा। हाँ जी इस तों इलावा जेकर पूछ लिया जाए कि सब तो छोटा पक्षी केड़ा हुंदा है, तो सब तो छोटा पंछी हुंदा जी गुंजन पंछी, जिन्हों सेकंड नेम की हैगा जी हैमिंग बर्ड भी कहा जाता है, हैमिंग बर्ड जिन्हों कहा जाता है। हाँ जी नैक्सट क्वेश्चन वाल चलते हैं। हाँ जी साडा नैक्सट क्वेश्चन हैगा है, मनुख के खून का पीएच मान कितना होता है? हाँ जी ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपोर्टेंट हैगा जी, बहुत बार एग्जाम विच रिपीट हो चुके हैं। मनुख का खून का पीएच मान कितना होता है? हाँ जी चार ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट है 7.2, सैकेंड दिता जी 7.4, थर्ड ऑप्शन है 7.6 ते फोर्थ दिता जी 7.9। हाँ जी मनुखी खून का पीएच मान जिहड़ा हुंदा है वह हुंदा जी 7.4, तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन है जिहड़ा अपना करैक्ट हो जाएगा। हाँ जी मनुखी खून का पीएच हुंदा है 7.4। इस तों इलावा जेकर अपने कोल पूछ लिया जाए कि मनुखी लार का पीएच मान कितना हुंदा है, तो मनुखी लार का पीएच मान हुंदा जी 6.5। जेकर पूछ लिया जाए कि दुध का पीएच मान कितना हुंदा है, दुध का पीएच कितना होता जी 6.4। तो जेकर पूछ लिया जाए कि नींबू का पीएच कितना होता है, नींबू का पीएच मान, तो नींबू का पीएच मान होता जी 2.4। फिर तो रिपीट कर देने, मनुखी खून का पीएच मान होता 7.4, मनुखी लार का पीएच मान होता 6.5, दुध का पीएच मान होता जी 6.4, नींबू का पीएच मान होता 2.4। हाँ जी नैक्सट क्वेश्चन वाल चलते हैं। साडा नैक्सट क्वेश्चन हैगा जी, विटामिन सी का रसायणिक नाम की है? हाँ जी ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट हो चुका है, विटामिन सी का रसायणिक नाम की है? साडे कोल चार ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट हैगा जी साइट्रिक अमल, सैकेंड दिता है एसकोरबिक अमल, थर्ड ऑप्शन हैगा ऑक्जेलिक अमल, तो फोर्थ हैगा नाइट्रिक अमल। हाँ जी विटामिन सी का जिहड़ा रसायनिक नेम हैगा वो हैगा जी एसकोरबिक अमल। ऑप्शन बी है जिहड़ा अपना करैक्ट हो जाएगा, एसकोरबिक अमल। हाँ जी विटामिन सी है जिहड़ी सब तो ज़्यादा या फिर कह सकते हैं सब तो चंगा स्रोत कहड़ा हैगा विटामिन सी का, संतरा जिहड़ा हैगा विटामिन सी का सब तो चंगा स्रोत हैगा। तो विटामिन सी की कमी के नाल कहड़ा रोग हो जाता जी, सक्करवी रोग जिहड़ा विटामिन सी की कमी के नाल हो जाता है। तो विटामिन सी की जिहड़ा आपां सूत्र भी कर लैंदे आ, इहदा सूत्र की हुंदा जी, इहदा सूत्र हुंदा है C6H8 ते O6।
फिर तो रिपीट कर देने विटमिन सी का जो रसायनिक सूत्र होंगे है C6H8OH6 इस दी कमी के कारण कौन रोग हो जाता है सकरवी। तो सब तो चंगा स्रोत किनू मनिया जाता है संतरे। हाँ जी, इस तो अलावा बाकी ऑप्शन भी पढ़ लें। ऑप्शन फर्स्ट दिता जी साइट्रिक अमल। जी साइट्रिक अमल की जेकर गल करिए अमल है जरा खट्टे फलों में पाया जाता है, या फिर आप कह सकते हैं ये जो अमल है ये नींबू के रस तो भी तैयार किया जाता है, नींबू के रस तो तैयार किया जाता है जिहड़ा साइट्रिक अम्ल है नींबू के रस तो तैयार किया जाता है। इसका भी आप फॉर्मूला दस दें। सूत्र इनका जोड़ा है साइट्रिक अम्ल का C6H8OH7। ये याद रखना जी, जोड़ा एस्कोरबिक अम्ल का है वह है C6H8OH6, तो साइट्रिक अम्ल का है जी C6H8OH7। इस तो अलावा ऑप्शन सी दिता है जी ऑक्जेलिक अमल। ऑक्जेलिक अमल है जरा पोटाशियम ते कैल्शियम लवण के रूप विच पौद्यां विच पाया जाता है। जड़ा ऑक्जेलिक अमल है ये पोटाशियम ते कैल्शियम दे रूप विच जरा पौद्यां विच पाया जाता है। ऑप्शन डी दिता है जी नाइट्रिक अमल। नाइट्रिक एसिड की जेकर आप गल करिए इनका जरा यूज किन होंगे है डाई बनाने वास्ते, दवाई बनाने वास्ते, डाइज बनाने वास्ते, दवाई बनाने वास्ते, मेडिसिन बनाने वास्ते, विस्फोटक पदार्थ बनाने वास्ते। जरा विस्फोटक पदार्थ बनाने वास्ते इनका जरा यूज होंगे है नाइट्रिक अमल का। इन्हें भी अपना फॉर्मूले की गल करिए इनका फॉर्मूला जरा की होंगे है इनका फॉर्मूला जी HNO3, HNO3। ये कॉपी पर नोट करना है, काफ़ी मिक्स हो गया है, फिर तो रिपीट कर देना जी। सब तो पहला आप पढ़िया जी विटमिन सी का रसायनिक नाम की है जी, तो इसका रसायनिक नाम है एस्कोरबिक अमल। तो सब तो चंगा स्रोत है जी संतरा। इस दी कमी के नाल केड़ा रोग हो जाता है सकरवी। तो इनका फॉर्मूला की है सी, ये नोट करना जी C6H8OH6। एग्जाम काफ़ी बार जरा पूछ लिया गया है। तो उस तो बाद साइट्रिक अमल की आप गल की सी, इसका सूत्र की है C6H8O7। तो यह जरा कि नींबू के रस तो तैयार किया जाता है, खट्टे फलों में पाया जाता है। ऑप्शन सी है जी ऑक्जेलिक अमल। तो यह पोटाशियम तो कैल्शियम के अमल के रूप में, सॉरी लवण के रूप में पौद्या पाया जाता है। ऑप्शन डी की है नाइट्रिक अमल। तो नाइट्रिक अमल के आप यूज ही करने हैं ये डाई वास्ते, मेडिसिन बनाने वास्ते, विस्फोटक पदार्थ बनाने वास्ते यूज होंगे। तो इनका फॉर्मूला की है सी HNO3, HNO3। नैक्सट क्वेश्चन वाल चलते हैं जी। हाँ जी, साडा नैक्सट क्वेश्चन है मनुखी शरीर की सब तो वड्डी एंडोक्राइन ग्रंथी केड़ी है। हाँ जी, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपोर्टेंट है जी। साढ़े को चार ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट है थायराइड ग्रंथी, सेकेंड ऑप्शन दिता जी पेरा थायराइड ग्रंथी, थर्ड ऑप्शन है एंट्रीनल ग्रंथी, तो फोर्थ है पिट्यूटरी ग्लैंड। हाँ जी, मनुखी शरीर की सब तो वड्डी एंडोक्राइन ग्रंथी केड़ी होंगी है जी? तो यह होंगी है जी थायराइड ग्रंथी। ऑप्शन फर्स्ट है जरा इस क्वेश्चन का अपना करैक्ट हो जाएगा थायराइड ग्रंथी। हाँ जी, यह होंगी है जी अंदर दी एंडोक्राइन, मतलब अंदर दी ग्रंथी, अंदर दी ग्रंथी सब तो वड्डी अंदर दी ग्रंथी केड़ी होंगी थायराइड ग्रंथी। जेकर पूछ लिया जाए कि मनुखी शरीर की सब तो वड्डी ग्रंथी केड़ी होंगी है, तो सब तो वड्डी ग्रंथी होंगी लीवर। मनुखी शरीर की सब तो वड्डी ग्रंथी केड़ी होंगी है लीवर। नैक्सट क्वेश्चन वाल चलते हैं जी। नैक्सट क्वेश्चन है एडवर्ड जेनर ने हेठ लिखियां विचों केड़े रोग नाल जिहड़े संबंधित है। हाँ जी, एडवर्ड जेनर जिहड़े साइंटिस्ट रहे ने वो हेठ लिखियां विचों केड़े रोग नाल संबंधित ने। हाँ जी, चार तरह के रोग दिते हुए हैं। फर्स्ट है जी लकवा, सेकंड दिता है चेचक, थर्ड है एड्स, तो फोर्थ दिता है इन्हां विचों कोई नहीं। जी आप दसना है एडवर्ड जेनर जिहड़े साइंटिस्ट ने वो केड़े जिहड़े रोग नाल संबंधित ने। हाँ जी, तो ये संबंधित ने सी
चेचक नाल। इन्हां ने चेचक दे टीके की खोज की सी। की नाम सी विज्ञानिक दा? एडवर्ड जेनर। इन्हां ने चेचक दे टीके की खोज की सी। इस तों अलावा जेकर तुहानूं पूछ लिया जाए पेंसिलीन की खोज किने की सी, पेंसिलीन की खोज किने की सी, तो इन्हां दे जिहड़े खोज की सी उन्हां वैज्ञानिक का नाम सी अलैगजेंडर फ्लैमिंग। अलैगजेंडर फ्लैमिंग। इस तों अलावा तुसीं कमेंट बॉक्स च दसना है जी एक टेस्ट हुंदा है एलिसा टेस्ट। एलिसा टेस्ट ये तुसीं दसना है जी ये किस रोग नाल संबंधित है, किस रोग दे लई आपां ये टेस्ट जिहड़ा कराउंदे आ। एलिसा टेस्ट, एलिसा टेस्ट ये तुसीं कमेंट बॉक्स च दसना है कि ये किस रोग दे लई करवाया जांदा है। नैक्सट क्वेश्चन वाल चलते हैं जी। जी साडा नैक्सट क्वेश्चन हैगा एंजाइम की है। हाँ जी ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपोर्टेंट हैगा जी, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। एंजाइम की है साडे कोल चार ऑप्शन दिते हुए ने। फर्स्ट दिता जी चर्बी, सैकेंड ऑप्शन हैगा आर एन ए, थर्ड हैगा जी प्रोटीन, तो फोर्थ दिता है इन्हां विचों कोई नहीं। हाँ जी एंजाइम जिहड़ा हुंदा है वो एक तरह के की हुंदे ने प्रोटीन, प्रोटीन नूं ही की कहा जाता है एंजाइम। इस तों अलावा दिता हुआ जी ऑप्शन नंबर बी आर एन ए वेरी वेरी इंपोर्टेंट हैगा। हाँ जी सैकेंड ऑप्शन दिता हुआ है आर एन ए, एग्जाम विच इस दी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है। आर एन ए की फुल फॉर्म की होंगी जी राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबो न्यूक्लिक एसिड। इसकी जी शेप है जी वो कुछ इस तरह होंगी है, तो एक होंगे जी डी एन ए, इस विच पाए जाते हैं। इस दी भी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, डी एन ए की फुल फॉर्म की होंगी है डाई ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डाई ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। एंजाइम की होंगे जी, एंजाइम एक तरह के प्रोटीन होंगे ने। इस तों अलावा आर एन ए की फुल फॉर्म की है राइबो न्यूक्लिक एसिड, तो डी एन ए की है जी डाई ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। हाँ जी नैक्सट क्वेश्चन वाल चलते हैं। नैक्सट क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। पेंसिलीन की खोज किस विज्ञानिक ने की सी? साडे कोल चार ऑप्शन ने। फर्स्ट दिता है अलैगजेंडर फ्लैमिंग, सैकेंड ऑप्शन हैगा जी लुईस पाश्चर, थर्ड ऑप्शन हैगा सी वी रमन, तो फोर्थ हैगा जी एडवर्ड जेनर। हाँ जी पेंसिलीन की खोज किन्ने की सी? हाँ जी पेंसिलीन की खोज की सी अलैगजेंडर फ्लैमिंग। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है जिहड़ा अपना करैक्ट हो जाएगा। पेंसिलीन की खोज किन्ने की सी जी? अलैगजेंडर फ्लैमिंग। इस तों अलावा पूछ लिया जाए जेकर रेबीज की खोज किन्ने की सी? रेबीज दे टीके की, रेबीज दे टीके की खोज किन्ने की सी? लुईस पाश्चर ने। ऑप्शन नंबर बी अपना जिहड़ा करैक्ट हो जाएगा। कदों की सी? इन्होंने की 1886। इस तों अलावा जेकर पूछ लिया जाए कि चेचक दे टीके की, चेचक दे टीके की खोज किन्ने की सी? तो यह की सी जी एडवर्ड जेनर ने, एडवर्ड एडवर्ड जेनर ने। ऑप्शन नंबर डी है जिहड़ा अपना करैक्ट हो जाएगा जेकर पूछ लिया जाए कि चेचक दे टीके की खोज किन्ने की सी। हाँ जी ऑप्शन नंबर सी बचे सी वी रमन, तो इन्होंने किसकी खोज की सी? स्केटरिंग ऑफ लाइट की, रमन प्रभाव की खोज की सी सी वी रमन जी ने, स्केटरिंग ऑफ लाइट, स्केटरिंग ऑफ लाइट की खोज की सी इन्हों। 1930 इस जिहड़ा नोबल पुरस्कार भी मिलिया सी। नैक्सट क्वेश्चन वाल चलते हैं जी। साडा नैक्सट क्वेश्चन दिता हुआ है संसार का सब तो लंबा पौधा केड़ा है? जी ये क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। वैसे जिन्हें भी क्वेश्चन मैं करा रहा सारे दे सारे वेरी वेरी इंपोर्टेंट ने, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन एग्जाम विच बहुत ज़्यादा बार रिपीट हो चुके हैं। जी चार ऑप्शन दिते हुए ने। फस्ट है यूकिलिपिटस, सैकेंड दिता जी टेरोक्रॉप्स,
थर्ड ऑप्शन है गन्ना ते फोर्थ दिता जी इन्हां विचों कोयड़ी। हाँ जी आपां दसना है संसार का सब तो लंबा पौधा किहड़ा है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन फस्ट है जिहड़ा अपना करैक्ट हो जाएगा लुके पीटस। इस तरह तुसी याद रखना जी इहनूं, ऑप्शन नंबर फस्ट है जिहड़ा अपना करैक्ट हो जाएगा। इस तो इलावा जेकर पूछा जाए कि संसार का सब तो लंबा घा किहड़ा है, संसार का सब तो लंबा घा तो यह किहड़ा होंदा जी बांस, बेंबू जिन्हों कहा जाता है इंग्लिश में। संसार का सब तो लंबा घा किहड़ा है जी बांस। नैक्सट क्वेश्चन वाल चलते हैं, नैक्सट क्वेश्चन है जी वो एकमात्र पंछी जेड़ा सॉरी वो एकमात्र पक्षी केड़ा है जेड़ा पीछे की तरफ उड़ता है, जेड़ा उल्ट उड़ता है वो पक्षी आप दसना है जी। चार ऑप्शन दिए हुए हैं, फर्स्ट है जी कां, सैकेंड दिता है कोयल, थर्ड दिता जी मोर, तो फोर्थ है गुंजन पक्षी। हाँ जी वो एकमात्र पक्षी केड़ा है जेड़ा पीछे की तरफ उड़ता है, तो वो पक्षी है जी गुंजन पक्षी जिन्हों हैमिंग बर्ड भी कहा जाता है, गुंजन पक्षी सब तो छोटा पक्षी। नैक्सट क्वेश्चन वाल चलते हैं जी, नैक्सट क्वेश्चन है फूलों के अध्ययन की कहा जाता है। हाँ जी ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है, फूलों के अध्ययन की कहा जाता है। साढ़े को चार ऑप्शन दिए ने, फस्ट है एथोलॉजी, सैकेंड ऑप्शन दिता जी एग्रेस्ट्रोलॉजी, थर्ड ऑप्शन है फिनोलॉजी, तो फोर्थ है पेलिनोलॉजी। तो फुलों के अध्ययन की कहा जाता है एथोलॉजी। इस क्वेश्चन का ऑप्शन फस्ट है जिहड़ा अपना वो करैक्ट हो जाएगा। इस तो अलावा सैकेंड ऑप्शन दिता जी एग्रेस्ट्रोलॉजी, तो घा के अध्ययन की कहा जाता है एग्रेस्ट्रोलॉजी। ऑप्शन नंबर सी दिता जी फिनोलॉजी, तो पौधे ते पशु के जीवन चक्र दीआं घटनावां दा अध्ययन, पौधे ते पशु दे जीवन चक्र दे घटनावां दा अध्ययन, उन्हूं की कहा जाता जी फिनोलॉजी। तो फोर्थ जिहड़ा अपना बचा है पेलिनोलॉजी, तो स्टडी ऑफ डस्ट, स्टडी ऑफ डस्ट जिहड़े धूड़ दे कणां दी या फिर धूड़ दी जिहड़ी आपां स्टडी करदे हां उन्हूं की कहा जाता है पेलिनोलॉजी। हाँ जी नैक्सट क्वेश्चन वाल चलते हैं, हाँ जी अपना नैक्सट क्वेश्चन दिता होया दुध का दही विच बदलना इसका की कारण है। हाँ जी ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपोर्टेंट है जी, दुध तो दही बनना इसका की कारण है। चार ऑप्शन दिए हुए हैं, फस्ट ऑप्शन है जी माइक्रो बैक्टीरियम, सैकेंड ऑप्शन दिता है खमीर, थर्ड ऑप्शन दिता जी लैक्टोबैसीलस, तो फोर्थ है इन्हां विचों कोई नहीं। हाँ जी दुध तो दही बनना, तो ये किसके कारण बनता है जी लैक्टोबैसीलस के कारण बनता है, ऑप्शन नंबर सी है जिहड़ा अपना करैक्ट हो जाएगा। इस तो अलावा दुध की जेकर गल आई है तो एक क्वेश्चन बनता है दुध की शुद्धता मापन लिए आप किहड़ा यंत्र यूज करते हैं, दुध की शुद्धता लई किहड़ा आप यंत्र यूज करते हैं, तो वह होंगे जी लैक्टोमीटर, लैक्टोमीटर। हाँ जी नैक्सट क्वेश्चन वाल चलते हैं, नैक्सट अपना क्वेश्चन है हेठ लिखियां विचों किहड़ा एक तना है। जी ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट हो चुका है, चार ऑप्शन दिए हुए हैं, फर्स्ट है गाजर, सैकेंड दिता है मटर, थर्ड ऑप्शन है नारियल, तो फोर्थ दिता है आलू। इन्हां विचों आपां दसना है कि किहड़ा एक तना है। हाँ जी इन्हां विच जिहड़ा ऑप्शन डी है जिहड़ा अपना करैक्ट हो जाएगा आलू, आलू एक की है जी तना। इस तो अलावा प्याज हल्दी ये भी की ने तना, आलू प्याज हल्दी ये सारे की ने तना ने। इस तो अलावा ऑप्शन फर्स्ट दिता है गाजर, तो गाजर एक की है जड़, गाजर की है जी एक जड़। नैक्सट क्वेश्चन वाल चलते हैं, नैक्सट क्वेश्चन दिता जी जुकाम किस कारण होंगे। हाँ जी साढ़े को चार ऑप्शन दिए ने, फर्स्ट है जीवाणु, सैकेंड दिता है कवक, थर्ड ऑप्शन है विषाणु, तो फोर्थ दिता है
प्रोटोजोआ। हाँ जी, आप दसना है जुकाम किस कारण होंगे, तो जुकाम किस कारण होंगे जी, विषाणुओं के कारण। ऑप्शन सी है जो अपना करैक्ट हो जाएगा। जुकाम एक जरा वायरस के कारण होंगे, तो वायरस कि फैलता जी, विषाणुओं के कारण। ऑप्शन नंबर सी है जरा इस क्वेश्चन का अपना करैक्ट हो जाएगा। हाँ जी, नैक्सट क्वेश्चन वाल चलते हैं। नैक्सट क्वेश्चन है जी, विश्व सब तो तेजी वधण वाला पौधा केड़ा है। जी चार ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको दसना है कि विश्व सब तो तेजी वधण वाला पौधा केड़ा है। फर्स्ट दिता है बांस, सैकेंड दिता है चावल, थर्ड है जी मनी प्लांट, फोर्थ है टीक। जी सब तो तेजी जिहड़ा वधदा है वह है जी बांस, जिहड़ा कि एक तरह का घाह है। ऑप्शन फर्स्ट है जिहड़ा इस क्वेश्चन का अपना करैक्ट हो जाएगा। हाँ जी, नैक्सट क्वेश्चन वाल चलते हैं। नैक्सट क्वेश्चन अपना दिता है, मनुखी शरीर सब तो छोटी एंडोक्राइन ग्लैंड केड़ा है। फिर तो रिपीट कर देने हैं जी, मनुखी शरीर सब तो छोटा जिहड़ा एंडोक्राइन ग्लैंड केड़ा है। साढ़े को चार ऑप्शन दिए हुए हैं, फर्स्ट है एंड्रीनल, सैकेंड ऑप्शन दिता है पिट्यूटरी, थर्ड ऑप्शन है पाचक, तो फोर्थ दिता है थायराइड ग्लैंड। हाँ जी, मनुखी शरीर सब तो छोटी जड़ी एंडोक्राइन ग्लैंड कड़ी हैगी है, तो वह है जी पिट्यूटरी ग्रंथि। ऑप्शन नंबर बी है जो अपना इस क्वेश्चन का करैक्ट हो जाएगा। हाँ जी, पिट्यूटरी ग्रंथि जी अंदर की सब तो छोटी ग्रंथि है। इस तो अलावा जेकर पूछा जाए कि अंदर की सब तो वड्डी ग्रंथि, तो अंदर की सब तो वड्डी ग्रंथि है जी थायराइड ग्रंथि। अंदर की सब तो छोटी हैगी पिट्यूटरी, तो अंदर की सब तो वड्डी थायराइड। जेकर पूछा जाए कि शरीर की सब तो वड्डी ग्रंथि कड़ी है, तो वह होगी जी लीवर। जेकर पूछा जाए कि मनुखी शरीर की सब तो वड्डी ग्रंथि कड़ी है, तो उसका आंसर कड़ा होगा जी लीवर। नैक्सट क्वेश्चन वाल चलते हैं जी। हाँ जी, नैक्सट क्वेश्चन अपना दिता हुआ है, प्याज विच खाण वाला भाग केड़ा होंदा है। साढ़े को चार ऑप्शन दिए हुए हैं, फर्स्ट है पत्ता, सेकंड दिता जी जड़, थर्ड ऑप्शन है तना, तो फोर्थ दिता है फुल। हाँ जी, प्याज का जिहड़ा खाण वाला हिस्सा होंदा वह होंदा जी तना। इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी है जिहड़ा अपना वह करैक्ट हो जाएगा, तना जिहड़ा ऑप्शन है वह करैक्ट हो जाएगा। नैक्सट क्वेश्चन वाल चलते हैं जी। नैक्सट क्वेश्चन अपना दिता हुआ है, गुर्दे की कार्यशील इकाई केड़ी है। ये क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपोर्टेंट है जी। गुर्दे की कार्यशील इकाई केड़ी है, साढ़े को चार ऑप्शन दिए हैं, फर्स्ट है एक्सॉन, सैकेंड ऑप्शन दिता जी न्यूरॉन, थर्ड ऑप्शन है नेफ्रॉन, तो फोर्थ है धमनी। हाँ जी, आप दसना है गुर्दे की कार्यशील इकाई केड़ी हैगी, तो गुर्दे की जी कार्यशील इकाई हैगी है वो है जी नेफ्रॉन। ऑप्शन नंबर सी है जिहड़ा अपना करैक्ट हो जाएगा। इस तो इलावा दिमाग की कम करन दी इकाई, जेकर तुहानू पूछा जाए कि दिमाग की कम करन दी इकाई, दिमाग की कम करन दी इकाई जेकर तुहानू पूछा जाए तो आंसर कड़ा हो जाएगा न्यूरॉन। ऑप्शन नंबर बी, दिमाग की कम करन दी इकाई कड़ी है जी न्यूरॉन। नैक्सट क्वेश्चन वाल चलते हैं जी। साडा नैक्सट क्वेश्चन है, अपने शरीर विच चमड़ी के थले चर्बी किस दे विरुद्ध काम करती है। हाँ जी, ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है, अपने शरीर विच चमड़ी के थले चर्बी किस दे विरुद्ध काम करती है। जी चार ऑप्शन दिए ने, फर्स्ट है शरीर विच तापमान की हानि ना हो, सैकेंड ऑप्शन है खून रोकण लई, थर्ड ऑप्शन दिता जी पानी रोकण लई, ते फोर्थ है इन्हां विचों कोई नहीं। हाँ जी, अपने शरीर विच चमड़ी दे थले चर्बी किस दे विरुद्ध दे लई कम जिहड़ा करती है, तो किस दे लई करती है जी, शरीर विच ऊर्जा की हानि तो बचण लई, शरीर विच ऊर्जा की हानि तो बचण लई, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट है जिहड़ा अपना करैक्ट हो जाएगा, शरीर विच तापमान की हानि ना होवे। इस दे लई जिहड़ा कि है अपने शरीर विच चमड़ी के थले चर्बी ये काम करती है। नैक्सट क्वेश्चन वाल चलते हैं जी। साडा नैक्सट क्वेश्चन है, कितने काम करने वाले लोगों को जिहड़ा काला फेफड़िया का रोग हो जाता है।
हाँ जी, ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट हैगा। साढ़े को चार ऑप्शन दिए होने, फर्स्ट है कपास उद्योग, सेकंड दिता है सीमेंट उद्योग, थर्ड ऑप्शन है जी कोला उद्योग, तो फोर्थ है इन्हों कोई नहीं। हाँ जी, आप दसना है कि कितने काम करने वाले लोगों काला फेफड़िया का रोग हो जाता है। हाँ जी, तो इन्हों कोई नहीं, क्योंकि कोयले की खान में काम करने वाले लोगों के रोग हो जाता जी काला फेफड़िया का रोग, जिहड़े कोयले की खान में काम करते हैं उन्हां लोगों को कौन सा रोग हो जाता है जी। इतने तुहानू विजिबल नहीं हो रहा, इतने दिता जी काला फेफड़िया का रोग। इस अलावा तो जेकर पूछा जाए कि सफेद फेफड़िया का रोग किहड़े लोगों को होता है, तो सफेद फेफड़िया का रोग हो जाता जी जिहड़े टैक्सटाइल मिलों में काम करते हैं। टैक्सटाइल मिलों में जिहड़े काम करते हैं उन्होंने व्यक्तियों को कौन सा रोग हो जाता है, सफेद फेफड़िया का रोग। जो हेठ लिखियां विचों आरबीसी का कब्रिस्तान किसनों कहा जाता है, आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सैल का कब्रिस्तान किसनों कहा जाता है जी। फर्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, साढ़े को चार ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट दिता है जी लीवर, सैकेंड ऑप्शन है अस्थि मज्जा, थर्ड ऑप्शन दिता हुआ है प्लीहा, फोर्थ दिता है इन्हों कोई नहीं। हाँ जी, रेड ब्लड सैल का कब्रिस्तान कहा जाता जी प्लीहा, ऑप्शन नंबर सी है जो अपना करैक्ट हो जाएगा। इसका सैकेंड नेम है जी सप्लिन, सप्लिन भी इनू कहा जाता है। जेकर तुहाडे कोलों पूछ लिया जाए कि आर बी सी का निर्माण कित्थे हुंदा है, निर्माण कित्थे हुंदा है, तो इसका निर्माण जिहड़ा हुंदा है वह हुंदा जी अस्थि मज्जा विच, उदों अपना ऑप्शन नंबर बी है जिहड़ा करैक्ट हो जाना सी जेकर पूछा जाए कि आर बी सी का निर्माण कित्थे हुंदा है। इस तों अलावा ऑप्शन नंबर फस्ट दिता है जी लीवर, तो लीवर साढ़े शरीर की सब तो वड्डी ग्रंथी हैगी है। नैक्सट क्वेश्चन वाल चलते हैं, नैक्सट क्वेश्चन दिता हुआ जी मूत्र का पीला रंग किस की मौजूदगी के कारण होंगे। हाँ जी, ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट हो चुका है, साढ़े को चार ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट है पित्त, सैकेंड दिता है लसीका, थर्ड ऑप्शन है कैलेस्ट्रोल, तो फोर्थ दिता है यूरोक्रोम। हाँ जी, मूत्र का जोड़ा पीला रंग होंगे वह होंगे जी यूरोक्रोम की मौजूदगी, ऑप्शन नंबर डी है जोड़ा अपना करैक्ट हो जाएगा। एक क्वेश्चन होर बनता है कि मूत्र केड़ा एसिड निकलता है, ए एसिड निकलता है जी यूरिक एसिड, मूत्र विच यूरिक एसिड जिहड़ा निकलता है। इस तों इलावा ऑप्शन नंबर बी दिता जी लसीका, तो लसीका ग्रंथि की गल करिए साडे इम्यूनिस सिस्टम यानी कि प्रतिरक्षा प्रणाली का प्रमुख हिस्सा होंदा है, साडे इम्यूनिस सिस्टम प्रतिरक्षा प्रणाली का मुख्य हिस्सा होंदा है, तो इस विच डब्ल्यू बी सी ते जिहड़े एंटीबॉडीज होंदे ने, एंटीबॉडीज़ होंगे ने, डबल्यू बी सी यानी कि वाइट ब्लड सैल। फिर तो रिपीट कर दें, लसीका जिहड़ा इम्यून सिस्टम का प्रमुख हिस्सा होंगे इस विच डबल्यू बी सी ते एंटीबॉडीज़ होंगे ने। इस तों अलावा ऑप्शन नंबर सी दिता जी कैलेस्ट्रोल, तो यह एक वसा हैगी है, एक चर्बी होंगी है जिहड़ी कि लीवर तो पैदा होंगी है, तो यह शरीर को सुचारू ढंग चलाने विच जिहड़ी मदद करती है। जिहड़ी कैलेस्ट्रोल होंगी है यह एक तरह की चर्बी होंगी है जिहड़ी कि लीवर तो बनती है, तो यह साढ़े शरीर को सुचारू ढंग चलाने विच मदद करती है। नैक्सट क्वेश्चन वाल चलते हैं जी, नैक्सट क्वेश्चन दिता हुआ है गुणसूत्र विच की होंगे। हाँ जी, आप दसना है गुणसूत्र विच की होंगे, चार ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट दिता जी डी एन ए लिपिड, सैकेंड ऑप्शन दिता है डी एन ए प्रोटीन, थर्ड ऑप्शन है आर एन ए एमीनो एसिड, तो फोर्थ दिता है आर एन ए शूगर। हाँ जी, गुणसूत्र विच की होंगे, तो गुणसूत्र विच की होंगे जी डी एन ए प्रोटीन, ऑप्शन बी है जिहड़ा इस क्वेश्चन का अपना करैक्ट हो जाएगा। हाँ जी, गुणसूत्र की संख्या किन्नी होंगी है, तो यह होंगी जी 46, टोटल किन्ने होंगे 46, मेल विच 22 तो फीमेल विच भी 22, मिला के किन्ने हो गए 44, तो दो जड़े होंगे ने वह होंगे ने सैक्स क्रोमोसोम, एक्स क्रोमोसोम होंगे ने एक्स वाई, तो टोटल किन्ने हो गए 46। हाँ जी, नैक्सट क्वेश्चन वाल चलते हैं, नैक्सट क्वेश्चन अपना है हेठ लिखियां विचों किस दी होंद कारण गिरगिट जिहड़ा रंग बदलता है। हाँ जी, ये क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, चार ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट दिता है हेमोग्लोबिन, सैकेंड ऑप्शन है जी क्रोमेटोफोर्स, थर्ड ऑप्शन दिता है
क्लोरोफिल ते फोर्स है इन्हां विचों कोई नहीं। हाँ जी, आपां दसना है कि जिहड़ा गिरगिट हुंदा है वह अपना रंग किस दे कारण बदलता है। तो गिरगिट जिहड़ा अपना रंग बदलता है वह बदलता जी क्रोमेटोफोर्स के कारण जिहड़ा गिरगिट अपना रंग बदलता है। हाँ जी, नैक्सट क्वेश्चन वाल चलते हैं। नैक्सट क्वेश्चन दिता है दिल का दौरा किस कारण आउंदा है। साडे कोल चार ऑप्शन दिते हुए ने। फर्स्ट दिता है दिल ते जीवाणुआं का हमला होने कारण। सैकेंड ऑप्शन हैगा जी दिल की गति रुक जाना। थर्ड ऑप्शन दिता है दिल विच खून की पूर्ति ना होना। तो फोर्थ हैगा इन्हां विचों कोई नहीं। जी आपां दसना है कि दिल का दौरा कदों आता है, तो दिल विच खून की कमी के कारण आता है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी है जिहड़ा अपना करैक्ट हो जाएगा। दिल विच खून की पूर्ति ना होने कारण जिहड़ा की हुंदा है दिल का दौरा आ जाता है। इस तो अलावा मनुखी दिल के किन्ने भाग होंगे ने? चार भाग होंगे ने। मनुखी दिल के जिहड़े किन्ने पार्ट होंगे ने? चार पार्ट होंगे ने। तो जेकर आप गल करिए डड्डू के दिल के, तो इस दे तीन भाग होंगे। डड्डू के दिल के तीन भाग होंगे ने, तो मनुखी दिल के चार भाग होंगे। हाँ जी, नैक्सट क्वेश्चन वाल चलते हैं। नैक्सट क्वेश्चन अपना आता जी हेठ लिखियां विचों किस विच प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होंगी। जी चार ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट दिता जी आंडे अते मास विच। सैकेंड ऑप्शन हैगा दुध ते पत्तेदार सब्जियां विच। थर्ड ऑप्शन हैगा सोयाबीन अते मूंगफली विच। ते फोर्थ हैगा इन्हां विचों कोई नहीं। हाँ जी, प्रोटीन की सब तो ज़्यादा मात्रा इन्हां विचों होंदी है जी सोयाबीन ते मूंगफली। ऑप्शन नंबर सी है जिहड़ा अपना करैक्ट हो जाएगा। इन्हां विचों लगभग 38 तो लेके 40% जिहड़ी प्रोटीन होंदी है। हाँ जी, नैक्सट क्वेश्चन वाल चलते हैं। नैक्सट क्वेश्चन अपना हैगा है पौद्यां विच क्लोरोफिल बनाउण लई किहड़ा तत् सहायक हुंदा है। पौद्यां विच क्लोरोफिल बनाउण लई किहड़ा तत् सहायक हुंदा है? चार ऑप्शन दिते हुए ने। फस्ट हैगा जी कैल्शियम। सैकेंड ऑप्शन दिता है मैगनीशियम। थर्ड दिता है पोटाशियम। तो फोर्थ हैगा फॉसफोरस। हाँ जी, पौद्यां विच क्लोरोफिल बनाने लई जिहड़ा महत्वपूर्ण जिहड़ा तत् हैगा वह किहड़ा हुंदा है जी? मैगनीशियम। ऑप्शन नंबर बी है जिहड़ा इस क्वेश्चन का अपना करैक्ट हो जाएगा। जी नैक्सट क्वेश्चन वाल चलते हैं। नैक्सट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपोर्टेंट हैगा जी। प्रकाश संश्लेषण क्रिया विच अंत विच की बनता है। जी इस पूरे प्रोसैस विच अंत विच की बनता है वह आपां दसना है। फस्ट ऑप्शन दिता है जी कार्बोहाइड्रेट। सैकेंड दिता है कार्बन डाइऑक्साइड। थर्ड ऑप्शन हैगा ऑक्सीजन। तो फोर्थ दिता है पानी। जी इस प्रक्रिया विच एंड विच की बनता जी? ग्लूकोज। ग्लूकोज ते प्लस की बनता जी? ऑक्सीजन। तो इस क्वेश्चन का अपना ऑप्शन नंबर सी है जिहड़ा वह अपना करैक्ट हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण क्रिया विच अंत विच की बनता जी? ग्लूकोज ते ऑक्सीजन। तो सी ऑप्शन है जिहड़ा अपना करैक्ट हो जाएगा। नैक्सट क्वेश्चन वाल चलते हैं। नैक्सट क्वेश्चन दिता है जी इंसुलिन कित्थे बनता है। हाँ जी, ये क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपोर्टेंट हैगा जी। साडे कोल चार ऑप्शन दिते हुए ने। फस्ट हैगा पिट्यूटरी ग्लैंड विच। सैकेंड दिता जी पितासे विच। थर्ड ऑप्शन हैगा आंत विच। ते फोर्थ हैगा अग्नाशय विच। जी इंसुलिन जिहड़ा कित्थे बनता हुंदा है? ये बनता जी अग्नाशय विच। ऑप्शन नंबर डी है जिहड़ा इस क्वेश्चन का अपना करैक्ट हो जाएगा। इहनू की कहिंदे ने? पेंक्रियास भी कहा जाता है। पेनक्रियाज भी इनू कहा जाता है अग्नाशय विच। नैक्सट क्वेश्चन वाल चलते हैं। साडा नैक्सट क्वेश्चन हैगा विटामिन ए की कमी के कारण किहड़ा रोग हो जाता है। चार ऑप्शन दिए हुए ने। फस्ट दिता है जी वालों का झड़ना। सैकेंड दिता है दस्त। थर्ड ऑप्शन हैगा अंदराता। तो फोर्थ हैगा कमजोरी। हाँ जी, विटामिन ए की कमी के नाल की हो जाता है? अंदराता। इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी है जिहड़ा अपना करैक्ट हो जाएगा। जेकर पूछ लिया जाए कि विटामिन ए का सब तो चंगा स्रोत किहड़ा हैगा, तो वह हैगा जी गाजर। विटामिन ए का जिहड़ा सब तो चंगा स्रोत हैगा गाजर। हाँ जी, नैक्सट क्वेश्चन वाल चलते हैं। नैक्सट क्वेश्चन दिता है जी मशरूम की है। हाँ जी, ये क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपोर्टेंट हैगा जी। चार ऑप्शन दिए हुए ने। फस्ट दिता जी कवक। सैकेंड दिता है पौधा। थर्ड हैगा पशु। तो फोर्थ दिता है बैक्टीरिया। हाँ जी, आप दसना है कि मशरूम जिहड़ा की हुंदा है, तो यह एक तरह का कवक हुंदा है। कवक यानी कि फंगस।
एक तरह की की है फंगस होंगी है मशरूम। नैक्सट क्वेश्चन वाल चलते हैं जी। नैक्सट क्वेश्चन दिता है दुध का चिट्टा रंग किस की मौजूदगी के कारण होंगे जी। ये क्वेश्चन भी वेरी वेरी जरा इंपोर्टेंट है। चार ऑप्शन साढ़े को फस्ट है लैक्टोज, सैकेंड ऑप्शन दिता है जी एल्बूमिन, थर्ड ऑप्शन है केरोटीन, तो फोर्थ दिता है कैसियम। हाँ जी दुध का जोड़ा चिट्टा रंग होंगे वो कैसियम की मौजूदगी के कारण होंगे। हाँ जी कैसियम ना दे प्रोटीन की मौजूदगी के कारण जोड़ा दुध का चिट्टा रंग होंगे। जेकर तुहाडे कोलों पूछा जाए कि गां दे दुध का पीलापन वो किस दे कारण होंगे तो वह किस दे कारण होंगे जी केरोटीन ना दे प्रोटीन के कारण। केरोटीन प्रोटीन दे कारण, केरोटीन प्रोटीन के कारण जिहड़े गां दा दुध दा रंग जिहड़ा पीला होंदा है। इस तों इलावा जेकर पुछिया जावे कि गाजर दा रंग लाल क्यों होंदा है तां ओह वी केरोटीन प्रोटीन के कारण होंदा है। हाँ जी एक क्वेश्चन होर बनता है कि दुध तों दही किवें बनता है तो वह किस दे कारण बनता है, वह आपां पहलां भी पढ़ चुके हां लैक्टोबैसिन नां दे बैक्टीरिया कारण, लैक्टोबैसिन नां दे बैक्टीरिया के कारण जिहड़ा दुध तों दही बनता है। नैक्सट क्वेश्चन वाल चलते हैं जी। नैक्सट क्वेश्चन दिता हुआ है डेंगू बुखार के कारण मनुखी शरीर विच किस दी कमी हो जाती है। हाँ जी ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपोर्टेंट है जी। डेंगू बुखार के कारण मनुखी शरीर विच किस दी कमी हो जाती है। साढ़े को चार ऑप्शन ने, फर्स्ट है प्लेटलेट्स, सैकेंड ऑप्शन दिता है हीमोग्लोबिन, थर्ड ऑप्शन है जी सरकरा, तो फोर्थ दिता है पानी। हाँ जी डेंगू बुखार है जिहड़ा प्लेटलेट्स की कमी के कारण जरा हो जाता। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है जरा इस क्वेश्चन का अपना करैक्ट हो जाएगा। अच्छा हेमोग्लोबिन की कमी के कारण कि रोग हो जाता जी, तो हेमोग्लोबिन की कमी के कारण एनीमिया रोग जरा हो जाता है, एनीमिया रोग जरा हो जाता है हेमोग्लोबिन की कमी के कारण। नैक्सट क्वेश्चन वाल चलते हैं। नैक्सट क्वेश्चन दिता है डीएनए की डबल हैलीकस संरचना नूं किसने प्रगट किया सी। डीएनए की डबल हैलीकस संरचना नूं किसने प्रगट किया सी, साडे कोल विज्ञानकां दे नां दित्ते होए ने। फर्स्ट दिता जी वाटसन ते क्रिकने, सैकेंड ऑप्शन हैगा फिशर ते हालडानी ने, थर्ड हैगा लेमार्क ते डारविन, फोर्थ हैगा इन्हां विचों कोई नहीं। हाँ जी डीएनए की डबल हैकीस संरचना नूं किसने प्रगट किया सी जी, वो किया जी वाटसन ते क्रिक ने। ऑप्शन फस्ट है जिहड़ा इस क्वेश्चन का अपना करैक्ट हो जाएगा जी। नैक्सट क्वेश्चन वाल चलते हैं जी। नैक्सट क्वेश्चन दिता हुआ है प्रकाश संश्लेषण लई केड़ी गैस जरूरी है। हाँ जी इस क्वेश्चन का जिहड़ा आंसर है तुसी वो कमेंट बॉक्स में दसना सानू कि प्रकाश संश्लेषण लई केड़ी गैस जरूरी होंदी है। चार ऑप्शन दिते ने, फस्ट है ओ टू, सैकेंड दिता है सी ओ, थर्ड ऑप्शन है एन टू, तो फोर्थ है सी ओ टू। इस क्वेश्चन का आंसर है जिहड़ा तुसी कमेंट बॉक्स में दसना जी। नैक्सट क्वेश्चन वाल चलते हैं जी। नैक्सट क्वेश्चन दिता हुआ है पौद्या के दरखतों में भोजन तैयार करने की प्रक्रिया को की कहते हैं। चार ऑप्शन दिते हुए हैं, फर्स्ट दिता जी कार्बोहाइड्रोलिसिस, सैकेंड दिता जी मेटाबोलिक सिंथेसिस, थर्ड ऑप्शन है फोटोसिंथेसिस, तो फोर्थ दिता है इन्हां विचों कोई नहीं। हाँ जी पौद्या के दरखतों में भोजन तैयार करने की प्रक्रिया को की कहा जाता है जी फोटोसिंथेसिस। ऑप्शन सी है जिहड़ा इस क्वेश्चन का अपना करैक्ट हो जाएगा जी। नैक्सट क्वेश्चन वाल चलते हैं। नैक्सट क्वेश्चन दिता है क्लोरोफिल विच केड़ी धात होंगी है। हाँ जी ये क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपोर्टेंट है जी। क्लोरोफिल विच केड़ी धात होंगी है, तो क्लोरोफिल विच मैगनीशियम धात पाई जाती है। ऑप्शन बी है जिहड़ा इस क्वेश्चन का अपना करैक्ट हो जाएगा। हाँ जी नैक्सट क्वेश्चन वाल चलते हैं। मनुख की खोपड़ी विच किन्नियां हड्डियां होंदियां ने। हाँ जी ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपोर्टेंट है जी। मनुख की खोपड़ी विच किन्नियां हड्डियां होंदियां ने, तो मनुख की खोपड़ी विच अठ हड्डियां होंदियां ने। जेकर पूछा जाए कि चेहरे विच किन्नियां हड्डियां होंदियां ने, चेहरे विच किन्नियां हड्डियां होंदियां ने, तो वह होंदियां ने 24 हड्डियां साढ़े चेहरे विच होंदियां ने, तो खोपड़ी विच अठ हड्डियां होंदियां। हाँ जी नैक्सट क्वेश्चन वाल चलते हैं। नैक्सट क्वेश्चन दिता है पित्त रस कित्थे जमा हुंदा। हाँ जी साढ़े कोल चार ऑप्शन दिते हुए ने, फस्ट है पित्ते विच, सैकेंड ऑप्शन दिता है नक विच, थर्ड ऑप्शन है दिल विच, ते फोर्थ है जी किडनी विच।
हाँ जी आप दसना है पित्त रस जो कि जमा हों तो जमा हों जी पित्तै। ऑप्शन फस्ट है जो अपना करैक्ट हो जाएगा। इन की कहते हैं पिताशय भी किया जाता है। पितरस जो कि जमा हों पिते। हाँ जी अज का लास्ट क्वेश्चन कर जा रहे हैं मनुखी शरीर में खून को शुद्ध करने की प्रक्रिया को की कहा जाता है। हाँ जी ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपोर्टेंट है जी। चार ऑप्शन दिए हुए हैं। फस्ट है डायलिसिस, सैकेंड ऑप्शन दिता जी हिमोलिसिस, थर्ड ऑप्शन है ओसमोसिस, फोर्थ है पैरालिसिस। मनुखी शरीर में खून को शुद्ध करने की प्रक्रिया को की कहा जाता है डायलिसिस। ऑप्शन नंबर फस्ट है जो इस क्वेश्चन का अपना करैक्ट हो जाए। डबल्यू बी सी का मुख काम की है। हाँ जी फस्ट क्वेश्चन ही वेरी वेरी इंपोर्टेंट दिता हुआ जी। चार ऑप्शन दिए हुए हैं। फस्ट दिता है कार्बन डाइऑक्साइड को लेके जाना, सैकेंड ऑप्शन दिता है जी ऑक्सीजन को लेके जाना, थर्ड ऑप्शन है रोगों को रोकने की शक्ति बढ़ाना, तो फोर्थ ऑप्शन है इन्हों विचों कोई नहीं। हाँ जी आप दसना जी डबल्यू बी सी यानी कि वाइट ब्लड सैल का साढ़े शरीर में की कम होंगे। तो वाइट ब्लड सैल का साढ़े शरीर में कम होंगे जी रोगों को रोकने की शक्ति बढ़ाना। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी है जो अपना करैक्ट हो जाएगा। इस तो इलावा सूँ पता होना चाहिए है कि वाइट ब्लड सैल का जोड़ा जीवन काल है वह कि होंगे। तो इसका जीवन काल एक तो लेके चार दिन तक होंगे। इस तो इलावा आर बी सी यानी कि रेड ब्लड सैल इसका जीवन काल कि होंगे जी 120 दिन। इसका की कम होंगे? इसका कम होंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लेके आना तो ऑक्सीजन को शरीर में पहुँचाना। नैक्सट क्वेश्चन वाल चलते हैं जी। नैक्सट क्वेश्चन दिता हुआ है खून में लाल रंग किस की मौजूदगी के कारण होंगे। हाँ जी ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है। चार ऑप्शन है अपने को देखते हैं। फस्ट दिता हुआ जी प्लाज्मा, सैकेंड ऑप्शन है हीमोग्लोबिन, थर्ड ऑप्शन दिता है आर बी सी, फोर्थ है जी डबल्यू बी सी। हाँ जी खून में जोड़ा लाल कलर होंगे वह किस की मौजूदगी के कारण होंगे? हाँ जी वह होंगे हीमोग्लोबिन के कारण। ऑप्शन बी है जोड़ा इस क्वेश्चन का अपना करैक्ट हो जाएगा हीमोग्लोबिन। हाँ जी नैक्सट क्वेश्चन वाल चलते हैं। हाँ जी अपना नैक्सट क्वेश्चन दिता हुआ है हेठ लिखियां विचों केड़ी गैस हरा ग्रे प्रभाव लई जिम्मेवार है। हाँ जी ये क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपोर्टेंट है जी। चार ऑप्शन दिए हुए हैं। फस्ट है ऑक्सीजन, सैकेंड ऑप्शन है जी सिर्फ मिथेन, थर्ड ऑप्शन है सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड, तो फोर्थ है कार्बन डाइऑक्साइड तो मिथेन। हाँ जी आप दसना है कि केड़ी गैस जी हरा ग्रे प्रभाव लई जिम्मेवार हैगी है। तो वह है जी कार्बन डाइऑक्साइड और मिथेन। ऑप्शन नंबर डी है जोड़ा इस क्वेश्चन का अपना करैक्ट हो जाएगा। हाँ जी नैक्सट क्वेश्चन वाल चलते हैं। नैक्सट क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपोर्टेंट है जी। तेजाबी वर्खा किस कारण होंगी है? साढ़े को चार ऑप्शन दिए हुए हैं। फस्ट है कार्बन मोनोऑक्साइड तो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, सैकेंड ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड तो नाइट्रोजन के कारण, थर्ड ऑप्शन दिता हुआ जी ओजोन अते कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, तो फोर्थ है नाइट्रस ऑक्साइड तो सल्फर डाइऑक्साइड के कारण। हाँ जी इस क्वेश्चन का जोड़ा अपना करैक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हाँ जी जी तेजाबी वर्खा होंगी है नाइट्रस ऑक्साइड तो सल्फर डाइऑक्साइड के कारण होंगी है जी। इसका फॉर्मूला होंगे जी NO2 तो SO2। नैक्सट क्वेश्चन वाल चलते हैं जी। हाँ जी साडा नैक्सट क्वेश्चन आता है हरा ग्रे प्रभाव का की अर्थ है। हाँ जी इसका आप अर्थ दसना है। चार ऑप्शन दिए हुए हैं। फस्ट दिता है वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैस के कारण तापमान जोड़ा वधदा है, सैकेंड ऑप्शन है वध तापमान में सब्जियां का उत्पादन, थर्ड ऑप्शन दिता है कांच के मकानों में सब्जियां का उत्पादन, तो फोर्थ है जी इन्हों कोई नहीं। हाँ जी हरा ग्रे प्रभाव इसका की अर्थ है? हाँ जी इसका अर्थ है जी ऑप्शन नंबर फस्ट वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के कारण तापमान का वधना। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन फस्ट है जोड़ा अपना करैक्ट हो जाएगा। नैक्सट क्वेश्चन वाल चलते हैं। हाँ जी नैक्सट क्वेश्चन दिता हुआ है ताजमहल किस कारण प्रभावित हो जाता है? चार ऑप्शन ने। फस्ट दिता जी ग्रीन हाउस गैसों कारण, सैकेंड ऑप्शन है ओजोन के कारण, थर्ड ऑप्शन है तेजाबी वर्खा कारण, तो फोर्थ है जी इन्हों
कोई नहीं। हाँ जी, जिहड़ा ताजमहल हैगा वो किस कारण प्रभावित हो रहा है, तो वह हो रहा जी तेजाबी वर्खा कारण। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी है जिहड़ा अपना वो करैक्ट हो जाएगा। हाँ जी, साडा नैक्सट क्वेश्चन दिता हुआ है, हेठ लिखियां विचों किस विच ऊर्जा मुक्त हुंदी है। हाँ जी, साडे कोल चार ऑप्शन दिते हुए ने। फस्ट हैगा जी सांह लेना, सैकेंड ऑप्शन हैगा प्रकाश संश्लेषण, थर्ड ऑप्शन दिता है पानी पीना, तो फोर्थ हैगा इन्हां विचों कोई नहीं। हाँ जी, आपां दसना है कि हेठ लिखियां विचों किस क्रिया विच ऊर्जा जिहड़ी मुक्त हुंदी है, तो वह हुंदी है जी सांह लैण विच। ऑप्शन नंबर फस्ट है जिहड़ा इस क्वेश्चन का अपना करैक्ट हो जाएगा। हाँ जी, सांह लेना एक अजिही क्रिया है जिस विच ऊर्जा मुक्त हुंदी है। इस तो अलावा प्रकाश संश्लेषण की गल करिए, इस विच ग्लूकोज ते प्लस ऑक्सीजन जड़ी मुक्त हुंदी है। नैक्सट क्वेश्चन वाल चलते हैं। साडा नैक्सट क्वेश्चन हैगा, इंसुलिन का आविष्कार किसने किया सी। हाँ जी, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैगा, साडे कोल चार विज्ञानिकां दे नाम दिते हुए ने। फस्ट हैगा जी एफ जी बैटिंग ने, सैकेंड ऑप्शन दिता है रॉबर्ट ब्राउन ने, थर्ड ऑप्शन हैगा रॉबर्ट हुक, ते फोर्थ दिता जी सवान ने। हाँ जी, इंसुलिन का आविष्कार जिहड़ा किया सी वो किया जी एफ जी बैटिंग ने। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर फस्ट है जिहड़ा अपना करैक्ट हो जाएगा। इस तो अलावा बाकी दे ऑप्शन वेख लैने। ऑप्शन नंबर बी दिता जी रॉबर्ट ब्राउन, तो रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की सी। कोई भी सेल हैगा उसके सेंटर में जिहड़ा केंद्रक हुंदा है उसकी खोज की सी जी रॉबर्ट ब्राउन ने। ऑप्शन नंबर सी हैगा जी रॉबर्ट हुक, तो रॉबर्ट हुक ने कोशिका अते माइक्रोस्कोप दे लेंज की खोज की सी। ऑप्शन नंबर डी दिता जी सवान, तो सवान ने कोशिका सिद्धांत जिहड़ा दिता सी। नैक्सट क्वेश्चन वाल चलते हैं। हाँ जी, नैक्सट क्वेश्चन हैगा, मनुखी शरीर के दिल के किन्ने खाने होंगे। हाँ जी, ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट हैगा, मनुखी शरीर के दिल के किन्ने खाने होंगे ने। साडे कोल चार ऑप्शन ने, फस्ट हैगा जी चार, सैकेंड दिता दो, थर्ड ऑप्शन हैगा तीन, तो फोर्थ दिता जी पाँच। हाँ जी, मनुखी शरीर के जिहड़े दिल के खाने होंगे ने चार। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर फस्ट है जिहड़ा अपना करैक्ट हो जाएगा। इस तो अलावा कीट वर्ग की जेकर गल करिए, उन्होंने लगभग 13 खाने होंगे ने, जिमें कि कोकरोच। नैक्सट क्वेश्चन वाल चलते हाँ। हाँ जी, साडा नैक्सट क्वेश्चन आता है, केड़ा ब्लड ग्रुप सारियां तो खून ले सकता है। हाँ जी, ये क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपोर्टेंट हैगा जी। साडे कोल चार ऑप्शन दिते हुए ने, फस्ट हैगा ए बी, सैकेंड हैगा जी ओ, थर्ड ऑप्शन हैगा बी, तो फोर्थ हैगा ए। हाँ जी, आपां दसना है वो केड़ा ब्लड ग्रुप हैगा जिहड़ा सारियां तो खून ले सकता है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर फस्ट है जिहड़ा अपना करैक्ट हो जाएगा ए बी। इस तो अलावा तुसी कमेंट बॉक्स च दसना है कि वो केड़ा ब्लड ग्रुप हैगा जिहड़ा सारियां नूं खून दे सकदा है, यानी कि आपां डोनर ब्लड ग्रुप जिहड़ा दसना है, उसका जवाब तुसी कमेंट बॉक्स च दसना है। नैक्सट क्वेश्चन वाल चलते हैं जी। नैक्सट क्वेश्चन हैगा, हेठ लिखियां विचों मनुखी शरीर विच केड़ा एक पाचन एंजाइम नहीं है। हाँ जी, फिर तो रिपीट कर दें, हेठ लिखियां विचों मनुखी शरीर विच केड़ा एक पाचन एंजाइम नहीं है। साडे कोल चार ऑप्शन ने, फस्ट हैगा ट्रिप्सिन, सैकेंड दिता जी गैस्ट्रीन, थर्ड ऑप्शन हैगा टाइलिन, ते फोर्थ हैगा पेप्सन। हाँ जी, इन्हां विचों जिहड़ा ऑप्शन नंबर बी दिता है गैस्ट्रीन, ये एक पाचन एंजाइम नहीं है। इस तो अलावा ट्रिप्सिन, टाइलिन, ते पेप्सन जिहड़े पाचन एंजाइम हैं। नैक्सट क्वेश्चन वाल चलते हैं। नैक्सट क्वेश्चन दिता है जी, पीलिया किस दे संक्रमण के कारण हुंदा है। साडे कोल चार ऑप्शन ने, फस्ट हैगा लीवर, सैकेंड दिता जी दिमाग, थर्ड ऑप्शन हैगा फेफड़े, तो फोर्थ हैगा जी सप्लिन। जी, पीलिया किस दे संक्रमण के कारण हुंदा है, लीवर दे। ऑप्शन नंबर फस्ट है जिहड़ा इस क्वेश्चन का अपना करैक्ट हो जाएगा। हाँ जी, नैक्सट क्वेश्चन वाल चलते हैं। जेकर तुहानू वीडियो चंगी लग रही है तो वीडियो नू लाइक करो, तो ज़्यादा तो ज़्यादा शेयर करो जी। हाँ जी, साडा नैक्सट क्वेश्चन हैगा, चेचक होण दा की कारण है। हाँ जी, ये क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपोर्टेंट हैगा जी। चेचक होण दा की कारण है, साडे कोल चार ऑप्शन दिते हुए ने। फस्ट दिता है जी रूबियोला वायरस, सैकेंड हैगा है बेरियोला वायरस, थर्ड ऑप्शन हैगा जी बेरियोला वायरस, जिमें रिपीट हो गया बी ते सी, ते फोर्थ हैगा जी मिक्सो वायरस। हाँ जी, चेचक होने का की कारण है, तो एक किस वायरस के कारण होंगे जी, बेरियोला वायरस के कारण हैगा। बी ते सी है जिहड़ा ऑप्शन, इसका करैक्ट हो जाएगा। इस तो अलावा
जर्मन खसरा है जिहड़ा वह रूबेला वायरस के कारण हुंदा है। जेकर पूछा जाए कि जर्मन खसरा किस कारण हुंदा है तो इसका आंसर अपना ए है जिहड़ा करैक्ट हो जाएगा। नैक्सट क्वेश्चन वाल चलते हैं जी। नैक्सट क्वेश्चन है गां का दुध किस कारण हल्का पीला हुंदा है। हाँ जी ये क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। चार ऑप्शन अपने कोल दिते हुए ने। फस्ट है जेथोफिल, सैकेंड है जी राइबोफ्लेविन, थर्ड ऑप्शन है लाइकोपीन, तो फोर्थ है केरोटीन। हाँ जी आप दसना है कि गां का दुध है जिहड़ा किस कारण हल्का पीला हुंदा है। हाँ जी वह किहड़े प्रोटीन के कारण हुंदा है, केरोटीन नाल। ऑप्शन डी है जिहड़ा इस क्वेश्चन का अपना वो करैक्ट हो जाएगा। हाँ जी साढ़े नैक्सट क्वेश्चन वाल चलते हैं। नैक्सट क्वेश्चन है जी हेठ लिखे विचों किहड़ा रोग हवा के कारण फैलता है। हाँ जी ये क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपोर्टेंट है जी। चार ऑप्शन अपने को है, फस्ट है प्लेग, सैकेंड है जी टाइफाइड, थर्ड ऑप्शन है हेजा, तो फोर्थ है प्रोटोजोआ। जी आप दसना है कि वह कि रोग है जिहड़ा हवा के कारण फैलता है। जी इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर फस्ट है जिहड़ा अपना करैक्ट हो जाएगा, प्लेग। जी प्लेग जिहड़ा रोग है वह हवा के कारण फैलता है। इस तो अलावा जेकर टाइफाइड की गल करिए टाइफाइड जिहड़ा मालमोनेला नाँ के बैक्टीरिया के नाल फैलता है, तो यह पानी के भोजन राय जिहड़ा साढ़े शरीर में चला जाता है। ऑप्शन नंबर सी दिता है जी हेजा, तो हेजा जिहड़ा फिब्रोकालेरी नामक जीवाणु के नाल जिहड़ा फैलता है, तो यह भी पानी के भोजन नाल साढ़े शरीर में चला जाता है। हाँ जी नैक्सट क्वेश्चन वाल चलते हैं। नैक्सट क्वेश्चन अपने कोल हैगा हेठ लिखियां विचों किस विटामिन विच कोबाल्ट हुंदा है। हाँ जी ये क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपोर्टेंट है जी। आप दसना है कि हेठ लिखे विटामिन विचों किस विटामिन विच जिहड़ा कोबाल्ट वो प्रेजेंट हुंदा है। साढ़े कोल चार ऑप्शन ने। फस्ट है बी वन, सैकेंड ऑप्शन है जी बी टू, थर्ड ऑप्शन है बी ट्वेल्व, तो फोर्थ है बी थ्री। हाँ जी इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी है जिहड़ा अपना करैक्ट हो जाएगा। विटामिन बी ट्वेल्व विच जिहड़ा कोबाल्ट पाया जाता है। हाँ जी नैक्सट क्वेश्चन वाल चलते हैं। हाँ जी साडा नैक्सट क्वेश्चन दिता हुआ है हेठ लिखियां विचों किहड़े तत् की कमी कारण हड्डियां कमजोर हुंदियां हन। हाँ जी ये क्वेश्चन भी इंपोर्टेंट है। साढ़े को चार ऑप्शन ने। फस्ट है कैल्शियम तो फास्फोरस, सैकेंड ऑप्शन दिता है जी नाइट्रोजन, थर्ड ऑप्शन है कार्बन, तो फोर्थ है मैगनीशियम। हाँ जी आप दसना है कि हेठ लिखियां विचों किहड़े तत् की कमी कारण हड्डियां कमजोर हो जाएं ने। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर फस्ट है जिहड़ा अपना करैक्ट हो जाएगा। कैल्शियम ते फास्फोरस की कमी के कारण जिहड़ी शरीर दियां हड्डियां कमजोर हो जाएं। नैक्सट क्वेश्चन वाल चलते हैं। साडा नैक्सट क्वेश्चन है मनुख के शरीर का तापमान की हुंदा है। साढ़े कोल चार ऑप्शन दिते हुए ने। फस्ट है जी 37 डिग्री सैलसीयस, सैकेंड ऑप्शन है 98 डिग्री सैलसीयस, थर्ड ऑप्शन है जी 376 केल्विन, तो फोर्थ है इन्हां विचों कोई नहीं। हाँ जी साढ़े मनुखी शरीर का जिहड़ा नॉर्मल टैंपरेचर किन्ना हुंदा जी 37 डिग्री सैलसीयस। ऑप्शन नंबर फस्ट है जिहड़ा अपना करैक्ट हो जाएगा जेकर सैलसीयस विच पूछा जाए। जेकर फारनहाइट विच पूछा जाए तो 98.6 डिग्री फारनहाइट, जेकर केलविन विच पूछा जाए तो 310 केलविन। तिन्ने विच आपां रिपीट कर देने। फस्ट है जेकर सैलसीयस विच पूछा जाए तो 37 डिग्री सैलसीयस, जेकर फारनहाइट विच पूछा जाए तो 98.6 डिग्री फारनहाइट, तो जेकर केलविन विच पूछा जाए तो 310 केलविन। हाँ जी नैक्सट क्वेश्चन वाल चलते हैं। नैक्सट क्वेश्चन है हेठ लिखे विचों किहड़ा सप जहरीला नहीं है। हाँ जी साढ़े कोल चार ऑप्शन दिए हुए हैं। फस्ट है कोबरा, सैकेंड है जी वाइपर, थर्ड ऑप्शन है कोरल सप, तो फोर्थ है अजगर। हाँ जी आप दसना है कि किहड़ा सप है जिहड़ा जहरीला नहीं है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी है जिहड़ा अपना करैक्ट हो जाएगा, अजगर। हाँ जी अज का लास्ट क्वेश्चन करन जा रहे हैं। हेठ लिखियां विचों फ्लाइंग फोक्स किस नूं कहा जाता है। जी ये क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपोर्टेंट है जी। चार ऑप्शन है अपने को। फस्ट है चमगादड़, सैकेंड है जी चील, थर्ड ऑप्शन है चिड़ी, तो फोर्थ है मोर। हाँ जी आप दसना है कि किस नूं फ्लाइंग फोक्स कहा जाता है। तो फ्लाइंग फोक्स कहा जाता जी चमगादड़ नूं। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर फस्ट है जिहड़ा अपना वो करैक्ट हो जाए। तो तालाबां ते खूहां विच किस नूं छड्डण कारण मच्छरां ते काबू पाउण विच मदद मिलती है। हाँ जी साढ़े कोल चार ऑप्शन दिते हुए ने।
फस्ट एक है जी केंकड़ा, सेकेंड ऑप्शन दिता है डोगफिश, थर्ड ऑप्शन है जी गैम्बूसिया, तो फोर्थ दिता है कोगा। हाँ जी तालाबां ते खूहां विच मच्छरां ते काबू पाउण लई आपां छड्दे आ जी गैम्बूसिया, ऑप्शन नंबर सी है जिहड़ा अपना वह करैक्ट हो जाएगा। हाँ जी गैम्बूसिया जिहड़ा फिश की तरह ही विखाई दिंदा है, जिहड़ा कि मच्छरां ते काबू पाउण लई तालाबां ते खूहां विच छड्डिया जांदा है। हाँ जी नैक्सट क्वेश्चन वल चलते हाँ। हाँ जी नैक्सट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपोर्टेंट हैगा जी, कोकरोच किस राएं सांह लैंदे हन। हाँ जी ये क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपोर्टेंट हैगा, साडे कोल चार ऑप्शन दिते हुए ने, फस्ट हैगा वातक राही, सैकेंड ऑप्शन हैगा जी क्लोस राही, थर्ड ऑप्शन हैगा फुसफुस राही, तो फोर्थ हैगा चमड़ी राही। हाँ जी जिहड़े कोकरोच हैगे ने वो सांह लैंदे ने वातक नलियां राही, ऑप्शन नंबर फस्ट है जिहड़ा इस क्वेश्चन का अपना करैक्ट हो जाएगा। कोकरोच ते बाकी सारे जिन्हें भी कीट है ने सारे के सारे वातक नलियां नाल सांह लेंदे हन। इस तो अलावा चमड़ी की गल करिए केंचुआ जिहड़ा हुंदा है वो चमड़ी तो सांह लैंदा है। हाँ जी नैक्सट क्वेश्चन वाल चलते हाँ। हाँ जी साडा नैक्सट क्वेश्चन हैगा आलू विच ब्लैक हार्ट रोग किस कारण हुंदा है। आलू विच ब्लैक हार्ट रोग किस कारण हुंदा है, कई बार आप वेखते हाँ जो आप आलू नू कटते हाँ तो वह विचालों जड़ा कि है ब्लैक ब्लैक जहा होया हुंदा है तो वह किस दे कारण हुंदा है। साडे कोल चार ऑप्शन ने, फस्ट दिता है जी तांबे की कमी कारण, सैकेंड ऑप्शन हैगा पोटाशियम की कमी कारण, थर्ड ऑप्शन दिता है जी ऑक्सीजन की कमी कारण, तो फोर्थ हैगा कार्बन डाइऑक्साइड की कमी कारण। हाँ जी आलू विच जिहड़ा ब्लैक हार्ट रोग हुंदा है वो हुंदा जी ऑक्सीजन की कमी कारण। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी है जिहड़ा अपना करैक्ट हो जाएगा, ऑक्सीजन की कमी कारण आलू विच जिहड़ा ब्लैक हार्ट रोग हो जाता है। नैक्सट क्वेश्चन वाल चलते हाँ। साडा नैक्सट क्वेश्चन आता जी हेठ लिखियां विचों किहड़ा कीट नहीं है। हाँ जी आपां दसना है कि इन्हां चारां विचों किहड़ा एक कीट नहीं है। फस्ट ऑप्शन हैगा तितली, सैकेंड ऑप्शन दिता जी तिलचटा, थर्ड ऑप्शन हैगा मच्छर, तो फोर्थ हैगा मकड़ी। हाँ जी इन्हां विचों जिहड़ा मकड़ी हैगा ऑप्शन नंबर डी वो कीट नहीं हैगा, बाकी तितली तिलचटा तो मच्छर ये तीनों कीट हैगे ने। नैक्सट क्वेश्चन वाल चलते हाँ जी। हाँ जी नैक्सट क्वेश्चन दिता होया हेठ लिखियां विचों किहड़ा सब तो ज़्यादा शक्ति प्रदान करता है। हाँ जी ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट हैगा, काफ़ी बार एग्जाम विच पूछा गया है। चार ऑप्शन दिते हुए ने, फर्स्ट दिता है कार्बोहाइड्रेट, सेकेंड ऑप्शन दिता हुआ जी प्रोटीन, थर्ड ऑप्शन हैगा चर्बी, तो फोर्थ हैगा विटामिन। हाँ जी चार विचों आप दसना है कि केड़ा सब तो ज़्यादा साडे शरीर नू जिहड़ा शक्ति प्रदान करता है, तो वह करता जी कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन नंबर फस्ट है जिहड़ा इस क्वेश्चन का वो अपना करैक्ट हो जाएगा। नैक्सट क्वेश्चन वाल चलते हाँ जी। साडा नैक्सट क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपोर्टेंट हैगा जी, एच आई वी की है। हाँ जी एच आई वी की आप दसना है, चार ऑप्शन ने, फस्ट हैगा जी रोगों का मिश्रण, सैकेंड ऑप्शन हैगा दवाई, थर्ड ऑप्शन दिता है जी विषाणु रोग, तो फोर्थ हैगा जीवाणु रोग। हाँ जी एच आई वी जिहड़ा की हैगा एक विषाणु रोग हैगा, ऑप्शन नंबर सी है जिहड़ा इस क्वेश्चन का अपना करैक्ट हो जाएगा। आपां नूं एच आई वी की फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए है, ह्यूमन अमीनो डेफिशेंसी वायरस। फिर तो रिपीट कर देने जी, ह्यूमन अमीनो डेफिशेंसी वायरस जिहड़ा कि अगे जाके एड्स का कारण बनता है। नैक्सट क्वेश्चन वाल चलते हाँ जी। नैक्सट क्वेश्चन हैगा डेंगू एक बुखार है जो उत्पन्न होता है तो दूजे शरीर में पहुँचता है। जी आप दसना है कि जी डेंगू बुखार है वो उत्पन्न होकर दूजे शरीर में किस तरह जरा पहुँचता है, चार ऑप्शन दिते हुए ने, फस्ट हैगा वायरस और मादा एंडीज मच्छर नाल, सैकेंड ऑप्शन दिता है जी बैक्टीरिया तो मच्छर नाल, थर्ड ऑप्शन हैगा प्रोटोजोआ तो मादा एंडीज मच्छर नाल, फोर्थ हैगा जी इन्हों विचों कोई नहीं। हाँ जी जिहड़ा डेंगू एक बुखार है वो किस दे कारण जिहड़ा एक शरीर तो दूजे शरीर विच पहुँचता है, हाँ जी ये पहुँचता जी वायरस और मादा एंडीज मच्छर नाल।
ऑप्शन नंबर फर्स्ट है जिहड़ा इस क्वेश्चन दा अपना वो करैक्ट हो जाएगा। नैक्सट क्वेश्चन वाल चलते हैं जी। नैक्सट क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपोर्टेंट हैगा तो बहुत ज़्यादा ईजी भी हैगा। मछली किस की मदद नाल सह लेंदी है? हाँ जी, चार ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट है जी नक राही, सैकेंड ऑप्शन है चमड़ी राही, थर्ड ऑप्शन दिता है फेफड़िया राही, तो फोर्थ है जी गलफड़िया राही। हाँ जी, जी मच्छी होंगी है वह सह किस दे राही लेंदी है? गलफड़िया राही। ऑप्शन नंबर डी है जिहड़ा इस क्वेश्चन का अपना वो करैक्ट हो जाएगा। हाँ जी फ्रेंड, जेकर तुहानू वीडियो चंगी लग रही है तो वीडियो नू ज़्यादा तो ज़्यादा शेयर करो तो लाइक भी जरूर करो जी। नैक्सट क्वेश्चन वाल चलते हैं। हाँ जी, साडा नैक्सट क्वेश्चन है धरती हेठला पानी किस कारण प्रदूषित हुंदा है? हाँ जी, ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है। चार ऑप्शन साढ़े को फस्ट दिता है बैक्टीरिया राही, सैकेंड है जी मच्छी राही, थर्ड ऑप्शन है आरसैनिक पदार्थों राही, तो फोर्थ है जीवाणु राही। हाँ जी, जिहड़ा धरती हेठला पानी है वो किस दे कारण प्रदूषित हुंदा है? तो वो सब तो ज़्यादा प्रदूषित हुंदा जी आरसैनिक राही। ऑप्शन नंबर सी है जिहड़ा इस क्वेश्चन का अपना करैक्ट हो जाएगा। हाँ जी, आरसैनिक का जिहड़ा सिंबल हुंदा है वड्डा ए ते छोटा एस, तो इसका जिहड़ा परमाणु संख्या हुंदी है वो हुंदी है जी 33। हाँ जी, आरसैनिक विच की है अधातु दे गुण ज़्यादा हुंदे ने ते धातु के गुण जिहड़े घट हुंदे ने, इस कारण ही जिहड़ा ये सब तो ज़्यादा पानी नूं प्रदूषित करता है। नैक्सट क्वेश्चन वाल चलते हैं जी। हाँ जी, साडा नैक्सट क्वेश्चन दिता होया है हेठ लिखियां विचों किहड़ा हवा नूं ज़्यादा प्रदूषित करता है? हाँ जी, हुण आपां दसना है कि हवा नूं सब तो ज़्यादा प्रदूषित इन्हां विचों किहड़ा करता है। साडे कोल चार ऑप्शन ने। फर्स्ट दिता होया जी कार्बन डाइऑक्साइड, सैकेंड ऑप्शन हैगा धुआं, थर्ड ऑप्शन दिता है सल्फर डाइऑक्साइड, तो फोर्थ है जी कार्बन मोनोऑक्साइड। हाँ जी, आपां दसना है कि हेठ दित्तियां विचों किहड़ा जिहड़ा हवा नूं सब तो ज़्यादा प्रदूषित करता है? तो हवा नूं सब तो ज़्यादा प्रदूषित करता है जी कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है जिहड़ा इस क्वेश्चन का अपना वो करैक्ट हो जाएगा। हाँ जी, नैक्सट क्वेश्चन वाल चलते हैं। हाँ जी, साडा नैक्सट क्वेश्चन दिता होया है कोशिका की आत्म हत्या की थैली किसनों कहा जाता है? हाँ जी, ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट हो चुका है। कोशिका की आत्म हत्या की थैली किसनों कहा जाता है? साढ़े कोल चार ऑप्शन ने। फर्स्ट है जी लाइसोसोम, सैकेंड ऑप्शन है राइबोसोम, थर्ड ऑप्शन है न्यूक्लियोसोम, तो फोर्थ है इन्हां विचों कोई नहीं। हाँ जी, कोशिका की आत्म हत्या की थैली किसनों कहा जाता है जी? लाइसोसोम नूं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर फर्स्ट है जिहड़ा अपना वो करैक्ट हो जाएगा। हाँ जी, नैक्सट क्वेश्चन वाल चलते हैं। नैक्सट क्वेश्चन है जी पौद्या विच वाष्पीकरण की क्रिया किस विच हुंदी है? जी, आपां दसना है कि पौद्या के किस पार्ट विच जिहड़ी वाष्पीकरण की क्रिया हुंदी है। साडे कोल चार ऑप्शन ने। फर्स्ट है जी जड़, सैकेंड ऑप्शन दिता है तना, थर्ड ऑप्शन है पत्तियां, तो फोर्थ है जी पूरा पौधा। जी पौधे विच जिहड़ी वाष्पीकरण की क्रिया हुंदी है वो पूरे पौधे विच हुंदी है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी है जिहड़ा अपना वो करैक्ट हो जाएगा। हाँ जी, वाष्पीकरण की जिहड़ी क्रिया जड़ तने पत्तियां इन्हां सारियां विच हुंदी है, तो ऑप्शन नंबर डी है जिहड़ा अपना वो करैक्ट हो जाएगा। हाँ जी, नैक्सट क्वेश्चन वाल चलते हैं। नैक्सट क्वेश्चन अपने कोल हैगा जी पौद्यां विच वाधा करन वाला हारमोन जिब्राइलिन किस विचों निकलता है? फिर तो रिपीट कर देने जी, पौद्यां विचों वाधा करन वाला हारमोन जिब्राइलिन किस विचों निकलता है? हाँ जी, साढ़े कोल चार ऑप्शन ने। फर्स्ट है जी कवक, सैकेंड ऑप्शन है जीवाणु, थर्ड ऑप्शन है विषाणु, तो फोर्थ है इन्हां विचों कोई नहीं। हाँ जी, पौद्यां विच वाधा करन वाला हारमोन जिहड़ा जिब्राइलिन वो निकलता है जी कवक विचों, यानी कि फंगस विचों। ऑप्शन फर्स्ट है जिहड़ा इस क्वेश्चन का अपना वो करैक्ट हो जाएगा। हाँ जी, नैक्सट क्वेश्चन वाल चलते हैं। नैक्सट क्वेश्चन है जी मनुखी शरीर के किहड़े अंग विच लसीका कोशिका बनती है? हाँ जी, ये क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपोर्टेंट है जी। साढ़े कोल चार ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट है लीवर, सैकेंड दिता जी लंबी हड्डी, ऑप्शन थर्ड है मूँह, तो फोर्थ है जी किडनी। हाँ जी, शरीर के किहड़े अंग विच लसीका कोशिका जिहड़ी बनती है? तो वह बनती है जी लंबी हड्डी।
ऑप्शन नंबर बी है जिहड़ा इस क्वेश्चन का अपना वो करैक्ट हो जाएगा। हाँ जी नैक्सट क्वेश्चन वाल चलते हैं। नैक्सट क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपोर्टेंट है जी। जेनेटिक्स हेठ लिखिया किस का अध्ययन है? हाँ जी किस का अध्ययन जिहड़ा जेनेटिक्स है आपां दसना है। चार ऑप्शन ने अपने कोल। फर्स्ट है मेंडल का नियम, सैकेंड ऑप्शन दिता जी जीव विकास, थर्ड ऑप्शन है डी एन ए की संरचना, तो फोर्थ है वंशवाद और भिन्नता। हाँ जी जेनेटिक्स का अध्ययन आप किस विच करते हैं जी? वंशवाद और भिन्नता के अध्ययन जेनेटिक्स कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी है जिहड़ा अपना इस क्वेश्चन का वो करैक्ट हो जाएगा, वंशवाद और भिन्नता। हाँ जी नैक्सट क्वेश्चन वाल चलते हैं। साडा नैक्सट क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण क्रिया विच सूरज का केड़ा रंग सब तो ज़्यादा उपयोगी हुंदा है? हाँ जी ये क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपोर्टेंट है जी। साढ़े कोल चार ऑप्शन ने। फर्स्ट है लाल, सैकेंड ऑप्शन है जी नीला, थर्ड दिता है हरा, तो फोर्थ है पीला। जी आप दसना है कि जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया होंदी है उस विच सूरज का केड़ा रंग जिहड़ा सब तो ज़्यादा उपयोगी हुंदा है? तो वह हुंदा जी लाल रंग। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है जिहड़ा इस क्वेश्चन का अपना वो करैक्ट हो जाएगा। हाँ जी फिर तो रिपीट कर देना जी, जेकर वीडियो तुहानू चंगी लग रही है तो वीडियो नू लाइक करो, तो ज़्यादा तो ज़्यादा वीडियो नू अपने दोस्तों के नाल शेयर करो। नैक्सट क्वेश्चन वाल चलते हैं जी। साडा नैक्सट क्वेश्चन दिता हुआ है भोजन विच लूण का मुख काम की है? हाँ जी चार ऑप्शन साढ़े को ने। फर्स्ट है जी भोजन नू स्वादिष्ट बनाउणा, सैकेंड ऑप्शन है जी भोजन के पाचन के लिए HCL पैदा करना, थर्ड ऑप्शन है भोजन नू नमकीन करना, तो फोर्थ है जी इन्हां विचों कोई नहीं। हाँ जी भोजन विच लूण का जिहड़ा मुख काम हुंदा है वह हुंदा जी भोजन के पाचन लई HCL पैदा करना। ऑप्शन नंबर बी है जिहड़ा इस क्वेश्चन का अपना वो करैक्ट हो जाएगा। नैक्सट क्वेश्चन वाल चलते हैं। हाँ जी नैक्सट क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है। सैक्स हारमोन जिहड़ा कित्थों पैदा होंदे ने? फिर तो रिपीट कर देने जी, सैक्स हारमोन कित्थों पैदा होंदे हन? चार ऑप्शन साढ़े कोल ने। फस्ट है जी पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा, सैकेंड ऑप्शन दिता है एंड्रीनल ग्लैंड द्वारा, थर्ड ऑप्शन है जी थायराइड ग्लैंड द्वारा, तो फोर्थ है जी पैराथायराइड ग्लैंड द्वारा। जी आप दसना है कि सैक्स हारमोन कित्थों पैदा होंदे ने, तो यह पैदा होंदे ने जी एंड्रीनल ग्लैंड द्वारा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी है जिहड़ा अपना वो करैक्ट हो जाएगा। हाँ जी नैक्सट क्वेश्चन वाल चलते हैं। साडा नैक्सट क्वेश्चन है मनुखी चमड़ी का रंग किस तो बनता है? हाँ जी ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा रिपीट हो चुका है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। चार ऑप्शन साढ़े कोल ने। फर्स्ट है हीमोग्लोबिन तो, सैकेंड ऑप्शन है जी इंसुलिन तो, थर्ड ऑप्शन है खून तो, फोर्थ है मेलेनील तो। हाँ जी मनुखी चमड़ी का रंग जिहड़ा किस तो बनता जी? वो बनता जी मेलेनील तो। इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी है जिहड़ा अपना वो करैक्ट हो जाएगा, मेलेनील। हाँ जी अज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन करन जा रहे हैं, इंसुलिन की है? हाँ जी ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है। चार ऑप्शन साढ़े को ने। फस्ट है जी लूण, सैकेंड ऑप्शन है हारमोन, थर्ड ऑप्शन दिता है जी एंजाइम, तो फोर्थ है विटमिन। हाँ जी इंसुलिन की हुंदा जी? इंसुलिन की हुंदे ने हारमोन। ऑप्शन नंबर बी है जिहड़ा इस क्वेश्चन का अपना वो करैक्ट हो जाएगा।